ही क्लियर करवाऊंगा जो आपने अपने पढ़े हुए अभी तक। उसी तरह नोटपैड में चलते हैं। सबसे पहले देखिए तरीका बता दूं आपको प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करना होता है। जहां पे आपने रखना है प्रोजेक्ट वहां पर अकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया आई थिंक। हाँ आ जाइए जी, हम बैच थ्री में रखते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे ये प्रोजेक्ट्स के नाम से फोल्डर है, यहाँ पे क्लास 11 के नाम से मैंने प्रोजेक्ट बना लिया, फोल्डर बनाया। फोल्डर में हम क्या काम करते हैं, फोल्डर बनाते ही हम एक इसमें सब फोल्डर बनाते हैं, मतलब फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाते हैं सीएसएस के नाम से। इसमें क्या होगा, सीएसएस की फाइल्स आएगी। मैं ऑर्गेनाइज फॉर्म में डाटा रखता हूँ कि सीएसएस की फाइल सीएसएस में जाएंगी, इमेजेस इमेजेस में जाएंगी, एचटीएमएल की फाइल्स बाहर पड़ी रहेंगी। इस तरह और अगर फाइल्स आएंगी वो भी इसी तरह जाती रहेंगी। सीएसएस आ गया, फिर यहाँ पर इमेजेस की फाइल आ गई, यहाँ पर इमेजेस आ जाएंगी सारी, बाहर आपका एचटीएमएल आ जाएगा। इस तरह आपने बनाना है, ठीक है। अच्छा जी, नोटपैड में आ गए, आपको पता है ना सबसे ऊपर हम डॉक टाइप लिखते हैं। आपने लिख देना है इसकी कहानी कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ डॉक टाइप लिखना है। डॉक टाइप ये बताता है कि HTML 5 का वर्जन चल रहा है, लेटेस्ट वर्जन बताता है HTML का, बस और कुछ भी नहीं है। HTML टाइप किया, यहाँ पर हेड लिखा, हेड को क्लोज किया, यहाँ पर बॉडी लिखा आपने, और बॉडी को आपने क्लोज किया। टाइटल भी मिस है ना? जी जी जी, वो लिख रहे हैं ना, वो लिख रहे हैं, जरूरी नहीं होता, हमने तो बाद में मतलब लिख सकते हैं दिस एंड दैट कर देते हैं, टाइटल को सेव कर लें। इमेज चले गए, बैच थ्री में गए, क्लास 11 में गए, यहाँ पे जाके इसका नाम रख दिए डिजाइन, DESIGN design.html, design.html नाम रख दिया। इसी तरह एक CSS का बनाते हैं हम पहले से ही। CSS में आके आपने एक काम करना है, स्टेरी को बुलाना है। स्टेरी क्या है, एक सिलेक्टर है। स्टेरी का मतलब है पेज में जितने भी बॉडी H1 H2 जो कुछ भी लगा ना उनको बुला लो, उनका बुला के उनका मार्जिन जीरो कर दो। अब मार्जिन क्या होता है, मैंने आपको बताया मार्जिन किसी भी एलिमेंट का आउटसाइड डिस्टेंस, किसी भी एलिमेंट का, कोई आपका इमेज लगा है, देखिए मैं आपको यहां पर बताता हूं। फॉर एग्जांपल ये आपका एक इमेज लगा, साथ ही जुड़ा हुआ आपका दूसरा इमेज लग गया, साथ ही जुड़ा हुआ आपका तीसरा इमेज लग गया। अब ये तीन इमेज इकट्ठे हैं स्क्रीन आपकी। अब ये देखिए इन सब का लेफ्ट से डिस्टेंस ये मार्जिन है, टॉप से डिस्टेंस ये मार्जिन है, इधर से डिस्टेंस ये मार्जिन है, नीचे से डिस्टेंस ये मार्जिन है। अगर मैं इनके दरमियान में भी डिस्टेंस दे दूं तो वो मार्जिन है, इनके दरमियान में डिस्टेंस दे दूं तो वो मार्जिन है। फॉर एग्जांपल वो कैसे, ये वाला मार्जिन है। अच्छा जी, बट हम बनाते क्यों नहीं इसको मार्जिन से। मार्जिन क्या होता है, जब भी मार्जिन आप ऐड करते हैं ना वो विड्थ को बढ़ाता है, वो विड्थ में ऐड कर, देखो पहले डब्बा अगर मैं कहूं एक चीज पूरे 100 की हो गई है, कितने की, 100% की, मैं इसको कहूंगा मार्जिन लेफ्ट कर दो 50 पिक्सल, तो भाई 100 50 150 हो जाएगा, लेफ्ट से ये इतना दूर आ जाएगा 50 पिक्सल, ये लाइन आगे को निकल जाएगी, अंदर चली जाएगी, तो आपको पता है फिर 100 150 हो जाएगा, मार्जिन बढ़ जाएगा ना। मैं वहां से करके दिखाता हूँ आपको, मार्जिन किया 0, पैडिंग किया 0, मैं आपको करके दिखाता हूँ। सेव कर लें, सीएसएस में जाएं,
इसका नाम रख दे डिजाइन डॉट सी एस एस, मिलता जुलता नाम रखना है ना, ताकि हम जब फाइलें निकालें तो हमें पता भी चले कि इसकी सी एस एस है, ये उसकी सी एस एस है। एक एच टी एम एल बनाया, इतना सा काम सबको आता होगा। एक सी एस एस बनाया इशू आ रहा है जी, बाकी सबको भी आ रहा है जी सर। सर थोड़ा डिले आ रहा है बस। सर क्लियर है सर, मैं कुछ भी नहीं समझ आ रहा, आड़ आड़ आ रही है सर। नहीं बिल्कुल साफ क्लियर आ रही है वॉइस तो। चलो कुछ कोई बात नहीं, रुके रुके करते करते कोई बात। ये किसी का कैमरा ऑन है? अजगर तैयब अपना कैमरा ऑफ कर लें। अजगर अपना कैमरा ऑफ कर लें। अजगर तैयब हाँ ठीक हो गए, कोई बात नहीं, हो जाते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा जी, अब बताइएगा स्क्रीन आपको सही नजर आ रही है? सामने ये यहाँ पर बॉडी लिखा हुआ है जी सर। एक एचटीएमएल बनाया, ये देखिए सिंपल ऐसे ही बनाना है। एक सीएसएस का फाइल बनाया, स्टेरिक लगा के उसको कॉल करके मैंने मार्जिन पैडिंग जीरो कर दिया। अब ये देखें यहाँ पर इसका एक्सटेंशन सीएसएस है डिजाइन डॉट सीएसएस, इसका एक्सटेंशन एचटीएमएल है डिजाइन डॉट एचटीएमएल, वो एचटीएमएल का फाइल है, वो सीएसएस का फाइल है। एचटीएमएल में सिर्फ एलिमेंट लगाते हैं, बताते हैं यहाँ पर एच वन लगा दो, एच टू लगा दो, एच वन में ये लिख दो, एच टू में ये लिख दो, इमेज लगा दो। CSS में उनको कॉल किया जाता है, कॉल करके उन पे स्टाइल लगाया जाता है, विड्थ लगा दो, हाइट लगा दो, बैकग्राउंड लगा दो, कलर लगा दो, मार्जिन दे दो, कुछ भी दे दो, ठीक हो गया। यहाँ पर आए, मैंने चेक करना है कि मेरी दोनों फाइल लग चुकी हैं। आज H1 लगाएं, H1 को क्लोज कर दें, कुछ भी लिख दें, दिस एंड दैट, चेक करना है ना। अभी इस दर H1 को बुला लें, एक ही H1 है, नाम से ही बुला लिया, कलर दे दिया मैंने रेड, ये और ये। अब देखिए कहीं पर भी हमने लिंक नहीं किया, इसको ओपन करेंगे ना तो कुछ भी नजर नहीं आएगा, वो डिजाइन बस नजर आएगा दिस एंड दैट ब्लैक सा, वो कलर रेड नहीं नजर आया उस पे, वो कैसे नजर आएगा? वो आप लिंक करें, आप लिंक करें, वो आप लिंक करें, यहां पर लिंक करें आप, अच्छा कैसे करते हैं लिंक करवाएं जरा? एच रेफरेंस जी, एच रेफरेंस डिजाइन डॉट सीएसएस। आपका जो कोड है सारा एट्रीब्यूट और टैग का फर्क पता है ना, ये जो ब्रैकेटों के अंदर लिखे जाते हैं ये टैग होते हैं, ये जो ब्रैकेटों में लिखे जाते हैं ये टाइटल, ये एंगल ब्रैकेट है ना, ये टैग होते हैं, ये टैग होते हैं। जो रेड कलर में आ रहा होता है ये एट्रीब्यूट होता है आपका, जो रेड कलर में आता है एट्रीब्यूट होता है। अगर ये ब्लैक हो जाए ना तो समझ जाओ कि आपका ये कुछ गलत है यहाँ पर, ठीक है? अगर आपका एट्रीब्यूट ब्लैक हो जाए तो समझ जाओ कि आपका कुछ गलत है यहाँ पर, ठीक है? एक तो आउटपुट भी नहीं आएगी, फिर आप जब फाइंड करोगे आपको झट से इस पे नजर जानी चाहिए कि यार ये तो ब्लैक है, मतलब ये गलत है यहाँ पर, ठीक है? एच रेफरेंस, अब देखो रेड हो गया, ये इसमें रेफरेंस देना है उस फाइल का जो आप अटैच करना चाहते हो, वो डिजाइन उस फाइल का नाम है जो आप अटैच करना चाहते हो। मैंने अटैच कर दिया डिजाइन डॉट सी एस एस। फिर पेज के साथ रिलेशन भी बताना होता है, पेज के साथ रिलेशन है कि वो जो फाइल अटैच कर रहा हूँ ना वो इस पेज की स्टाइल शीट है, वो जो फाइल अटैच कर रहा हूँ, ये जो फाइल अटैच कर रहा हूँ इस पेज की स्टाइल शीट है, ठीक है? अब देखिए फोल्डर का नेम भी देना है, रुके रुके वही देना है, ठीक है? अब देखिए आउटपुट नहीं ना आई, मतलब फाइल आपका अटैच नहीं सही हुआ, वरना रेड कलर लग जाना चाहिए था। माइक बंद कर दें, अपने अपने माइक बंद कर दें, मैं पूछूंगा तो फिर आप बताइएगा, अपने माइक बंद कर दें। अच्छा आपकी आउटपुट नहीं सही आई, क्यों भाई? इसमें कोड कर रहे हो, लिंक फाइल डिजाइन में कर रहे हो, देखो डिजाइन में लिंक कर रहे हो, साथ ही लिख दिया डिजाइन डॉट सी एस एस, मतलब आपने नाम से फाइल को बुला लिया। नाम से मतलब बुलाने का कि इसके इर्द गिर्द कहीं पे फाइल पड़ी हो, तो फाइल इसके इर्द गिर्द नहीं पड़ी, फाइल एक आगे कमरे में है वहां पर पड़ी हुई है डिजाइन डॉट सी एस एस। तो भाई वो कमरे का नाम लिखोगे
फिर फाइल का नाम लिखोगे, तो यहाँ पर देखो वो आपने कमरे का नाम लिखा, फिर फाइल का नाम लिखा डिजाइन डॉट CSS। अब आपको वो फाइल अटैच हो जाएगी। अगर ये जो CSS का फोल्डर है, अगर इसमें डिजाइन नेम से दो CSS पड़ी हो तो फिर क्यों ये नहीं करेगा? वो हो ही नहीं सकती, वो रख ही नहीं सकते आप कभी भी, नहीं होती। ठीक, वो रिप्लेस हो जाती है, वो सेव नहीं होंगी। वो दो नाम की एक फोल्डर में फाइल हो ही नहीं सकती सेम एक्सटेंशन की। हाँ, design.css, design.html हो सकती है, बट design.css, design.css कभी भी नहीं हो सकती सेम। ठीक है, वहां पर आप सेव कर ही नहीं सकते इसको, वो रिप्लेस मांगेगा आपसे, भी रिप्लेस करना है। ठीक है, अटैच हो गया फाइल आपका, आपने देखा, बस फाइल अटैच ही करना था। अब HTML में आके H1 को खत्म कर दो। आपने सिर्फ चेक किया, ठीक है, आपने सिर्फ चेक किया यहाँ पर। अच्छा अच्छा अब हम कोई भी, आपको पता है वेबसाइट का डिजाइन बनाते हैं ना, तो हम डिव बनाते हैं, वेबसाइट को डिवाइड करना होता है पार्ट्स के अंदर। ठीक है, ये जो लिखना होता है सब कुछ उन डब्बों के अंदर लिखते हैं हम। देखो, अब अगर मैंने इसको बनाना हो तो कोई मुझे बता सकता है ये कैसे बनेगा डिजाइन जो सामने है? भाई पहले मैं एक पूरा मेन बनाऊंगा, ये सारा जो मुझे स्क्रीन पे नजर आ रहा है, पहले मैं ये बनाऊंगा, फिर उसमें मैं एक हेडर बनाऊंगा, हेडर बनाऊंगा, हेडर के बाद नीचे मैं एक सेक्शन लगाऊंगा, सेक्शन लगाऊंगा, फिर एक लेफ्ट सेक्शन लगाऊंगा, एक राइट सेक्शन लगाऊंगा। ठीक है, ऐसे बनाना है जब भी कोई स्टाइल बनाना है, जब भी कोई डिजाइन बनाना है। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ इतना सा सामने बना के दिखाता हूँ, ये जो सामने आ रहा है आपका, इतना सा आपको बना के सिर्फ स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ कैसे, जिस तरह ये माइक्रोसॉफ्ट वालों का बना हुआ है। ऊपर एक हेडर आ गया, लेफ्ट पे आ गया साइड बार, ये आपका मेन आ गया कंटेंट। ठीक है, इस तरह का मैं आपके सामने एक बना के दिखाता हूँ, देखिएगा जरा। सबसे पहले आपने मेन बनाना है, मेन बनाना है। आपने कहा मेन, भाई मेन की विड्थ पूरी स्क्रीन की विड्थ के इक्वल होती है, पूरी स्क्रीन आपकी मेन की विड्थ के इक्वल होती है, चौड़ाई जिसको बोलते हैं, डॉट मेन को बुला लें। डॉट क्यों बुलाया हमने? भाई मेन क्लास है, क्लास को हमेशा डॉट से कॉल किया जाता है। ठीक है, डिव लगाया उसको क्लास मेन दे दिया, क्यों? नाम रख दिया उसका, यार डिवे तो और बड़ी आनी है तो मैं डिव से बुला नहीं सकता, मैंने जो नाम रखा है, जो क्लास रखी है उससे डॉट मेन बुलाया। भाई सबसे पहले जो चीज देनी होती है किसी भी डिव की, वो विड्थ दिया करो। मैंने विड्थ दिया वो 100% कर दिया। भाई 100% का क्या मतलब है? अपने पेरेंट में पूरा पूरा आए। इसका पेरेंट कौन है? बॉडी। डिव का पेरेंट है बॉडी, तो बॉडी तो पूरी स्क्रीन होती है आपकी, बॉडी तो पूरी स्क्रीन होती है आपकी, तो आपने कहा विड्थ पूरी पूरी आ जाए। फिर आपने कहा हाइट, हाइट आप ना फिक्स कर दें, 100% नहीं करेंगे, देखो 100% कर दें, बैकग्राउंड कर दें, बैकग्राउंड कलर ऐसे लगता है रेड कर दें, ये देखिएगा वो हाइट आई नहीं, वो हाइट उसने कैरी नहीं की यहाँ पे। क्यों नहीं कैरी की? उसे हाइट का पता ही नहीं 100% का। विड्थ तो एक मुतय्यन है, विड्थ तो डिफाइन है कि स्क्रीन इतनी है, हाइट लंबाई में नीचे पता नहीं कितनी चली जाती है। इसलिए आप हाइट क्या करें, हाइट पिक्सल में दे दें, परसेंट में अभी तक तो आप कर ही नहीं सकते मेन का हाइट, क्योंकि बॉडी का आपको पता ही नहीं हाइट कितना है। तो आप यहां पर कर दें कि मैं जो मेन का हाइट अभी तक के लिए 1000 pixels कर देता हूं, बाद में मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, ये आपको एक चीज बताई थी, वर्टिकल हाइट। ये जो वर्टिकल हाइट होती है ना, 100 VH pixel की बजाय आप VH कर दो, इसका मतलब होता है जितनी स्क्रीन आपको सामने सामने नजर आ रही है ना, उतनी हाइट कर दो जितनी सामने सामने नजर आ रही है। तो बिल्कुल बिल्कुल मैंने जितनी सामने सामने नजर आई उतनी कर दी, देखो स्क्रॉल खत्म हो गया ना, मतलब जितनी सामने आ रही है उतनी हाइट कर दी। तो आपको तो डाटा नीचे भी लेके जाना होता है, स्क्रॉल भी चाहिए होता है, डाटा कितना लंबा होता है, फिर इसलिए हम हाइट को ना 1000 pixel कर देते हैं, बाद में इसको ऑटो कर देंगे। अभी तो हमने देखना है कि डब्बा आ गया या नहीं आ गया, ताकि मैं ऐसे ही ना आगे बढ़ता जाऊं, मेरा मेन आ चुका है। मैंने कहा जी बिल्कुल इसके पीछे वाला मेन आ गया है, अब मैंने हेडर बनाना है ये वाला ब्लैक सा। आ जाए मेन में, क्या करेंगे मेन में, अंदर आ जाएंगे, एक डिव लगाएंगे, उसको नाम दे लेंगे भाई मेन के अंदर लगा रहा हूं हेडर, ये मेन के अंदर हेडर लगा रहा हूं मैं, ये देखिएगा। आपको एक चीज जब पता चल गई है ना
टाइम के साथ करने से आ जाएगी तो फिर आप उसको टाइम दें। मैंने आपको एक एग्जांपल दी ना, मैं रोजे से हूं, मैं सच कहता हूं, मैं एक इंश्योरेंस कंपनी थी उसमें गया, इलेक्ट्रिक कूलर था नए डिजाइन का, मुझे नहीं समझ आया, पानी पीना था मैंने, मतलब मैं गया, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कहां से पानी पीना है। मैंने देखा तो वो जो ऑफिस बॉय वो पानी लेके गया वहां से भर के, मुझे नहीं पता कि पानी, अब मैं बैठा हूं पास, मैं गया, मैंने कहा अब क्या करूं, मतलब ऐसे ग्लास पकड़ के देखूंगा तो सारी देख रहे हैं, मैं बैठ गया चेयर पे, मैंने मोबाइल निकाल लिया, मोबाइल में लग गया, मेरा जहन उस तरफ है, देख उसको रहा हूं कि पानी कैसे पीऊंगा मैं, लेकिन मैंने मोबाइल से 3-4 मिनट कान को लगाया, मोबाइल बात ऐसे ही झूठी की, ठीक है 3-4 मिनट, फिर मैंने देखा अच्छा वो बटन है, उसको वहां से ऐसे पानी पीना है, वो इलेक्ट्रिक कूलर था, डिजिटल कूलर था, तो फिर मैंने वो पहली अटेम्प्ट मेरी ठीक गुजरी, सिर्फ 4 मिनट ऑब्जर्व करने के बाद, मेरा टाइम लगा, जाते ही मुझे फिर देखना पड़ता ग्लास को उठा के, अच्छा इसको दबाऊं या क्या करूं, ऊपर करूं नीचे करूं क्या करूं, वो सेंसर वाला था तो मुझे नहीं समझ आ रहा था कैसे करना है, तो 4 मिनट मैंने झूठा फोन कान को लगा के उसको ऑब्जर्व किया, उसको देखा मैंने कि ये कैसे पानी डलेगा, फिर 4 मिनट बाद मैंने पानी पिया, लेकिन जो मेरे से पहले आया ऑफिस बॉय वो आया डायरेक्ट पानी डाल के लेके चला गया, क्या उसका एक्सपीरियंस था, उसने टाइम लगाया हुआ था उस पर, 4 दफा 10 दफा 100 दफा वो पानी वहां से भर के लेके गया था, शायद पहली दफा उसे भी मुश्किल आई होगी, शायद उसको किसी ने बताया होगा ऐसे पानी डालना है, फिर उसको नहीं भूला वो, फिर उसमें उसकी उसने प्रैक्टिस की, रोज वो पानी लेके जाता रहा, उसको हो गया। अब मैं मतलब 16 पढ़ा हुआ हूँ, ग्रेजुएशन है मेरी, मैं एक मतलब फ्रीलांसिंग में हूँ, डिजिटल चीजों का भी पता है, बट मैं पानी नहीं डाल सका वहां पे जाते ही पहली अटेम्प्ट में, क्यों नहीं डाल सका, मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, मेरा उसके साथ इंटरेक्शन नहीं था, मैंने पहला इंटरेक्शन थोड़ा ऑब्जर्व करने के बाद किया, थोड़ा टाइम लगाने के बाद किया, मैंने पहली दफा पानी डाला, फिर दूसरी दफा मुझे मुश्किल नहीं होगा, मेरे साथ बेशक 10 बंदे मैं डायरेक्ट आऊंगा पानी डाल के पी लूंगा, मेरा इंटरेक्शन नहीं था, इंटरेक्शन बनाए, प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें मजबूत होती जाए। अब मैं वहीं पे कहता यार मैंने पानी पीना ही नहीं, ओए तुझे तो पानी नहीं डालना आता, तू 16 क्लासे पढ़ा हुआ है, ठीक है तेरी ग्रेजुएशन है, तू इतना बड़ा बंदा है, तुझे पानी नहीं डालना है डिजिटल कूलर से, भाई नहीं आता, मैंने चेक जो पहले फिल करवाया था ना, डिपॉजिट करवाए थे पैसे बैंक के अंदर, मैंने सीधा जाके कहा था कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं आता, मैं BScS कर रहा हूँ, मेरा पता नहीं तीसरा के दूसरा सेमेस्टर था, तो मैं सीधा जाके उन मैडम के पास गया कि मुझे नहीं पता किधर क्या करना है, मुझे पढ़नी आ रही है चीजें क्या क्या लिखा है, बट मुझे नहीं पता, मुझे बताएं मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो क्या है इसमें, कुछ नहीं होता, वहीं पे मैं डरता जाता ही ना, बैंक में पैसे ही ना सबमिट करवाता, या बैठा रहता देखता रहता, उनको बताता ही ना कुछ भी। अब अगर आपको नहीं समझ आता बताएं सर पहले, मुझे भी पता है कुछ पहली दफा कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं, बताएं तो सही, फिर उस पर टाइम जरूर लगाएं, ये नहीं कि आपको आता नहीं तो आप आराम से फिर बैठे ही रहें, फिर टाइम लगाएं सीखने की तगोदो करें। मैंने आपको कहा कि आप नहीं करेंगे पीछे रह जाएंगे, आपसे आगे फिर लोग निकलते जाएंगे, आप फिर परेशान होंगे कि कितना टाइम जाया किया हमने, हमें टाइम नहीं मिलता सीखने के लिए, मैं सोचता हूँ मैं नई चीजें सीखूं, मैं अपना चैनल बनाऊं, मतलब मैं ग्रो करूं, वो टाइम ही नहीं मिलता ग्रो करने का, एक एक टाइम को निकालना पड़ता है। मैं कहता हूँ यार टाइम मिले, ये वाला टाइम मिले, मैं ये काम कर लूं, मेरा कोई स्केड्यूल बन जाए, आप लोगों के पास तो टाइम है, मतलब दोस्तों को साथ लगाएं, नहीं साथ चलते तो छोड़ दें उनको, अगर डिफरेंट फील्ड है उन्हें कहा जी आप अपनी फील्ड का करें, मैं अपनी का करता हूं, जब टाइम मिले उनके साथ बात करें व्हाट्सएप पे फेसबुक पे, ठीक है फेसबुक तो ऐसे ही बोर हो गया कितना ज्यादा, व्हाट्सएप ही रह गया ना, तो इस पे भी बात को कम कर दें, अपना काम को प्रायोरिटी दें, ठीक है लोग आते जाते रहते हैं, मतलब जो पीछे खींचते हैं उनसे बचें, जो आपको डाइवर्ट करते हैं उनसे बचें, वो दोस्त बनाएं जो फील्ड के हैं, जो आगे बढ़ने की चाहत रखते हैं, 4 दिनों में बंदे की पहचान हो जाती है ये कैसा है, बात करने से आपको पता चल जाएगा ये कैसा है, तो दोस्त तो आपके आपको पता है, फिर आदतों से वाकिफ होंगे कि इसकी क्या आदत है, आगे बढ़ना चाहता है या नहीं बढ़ना चाहता, उसको फील ना करवाएं, बात कम कर दें यार मैं बिजी होता हूं थोड़ा, इसको फील ना करिएगा आप, अगर आप भी चाहते हैं तो आ जाएं, मैं भी आपको काम सिखाता हूं, आप उसको क्लास में ले आए मेरी में, कोई इशू नहीं, ठीक है आप एक एनवायरमेंट सेट करें, अकेले अकेले काम करना सीखें, बिना किसी पे डिपेंडेंट हुए, कोई भी माँ बाप भी एक टाइम पे आपको कहते हैं कि बेटा आप कुछ कमाओ, कितना खिलाते हैं कितना प्यार करते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं तो वो कहते हैं ना, तो ये दोस्त यार ये तो फिर मतलब समझ आए आप, ये दुनियादारी के हैं, ये तो कभी भी पीछे हट सकते हैं, कभी भी हट सकते हैं, तो अपने अपने बाजुओं को स्ट्रॉन्ग करें, बजाय इसके कि किसी पे आप डिपेंडेंट रहें, बहुत ही बुरी चीज है किसी पे डिपेंड होना, मतलब किसी भी लिहाज से डिपेंड हो जाना,
किसी भी चीज की आदत तो हो जाना बहुत बुरी चीज है, आदत तो डाले ही ना, ना किसी से बात करने की इतनी आदत डालें, ना किसी मतलब नेगेटिव काम को करने की इतनी आदत डालें कि वो छूटे ही ना आपसे। हाँ पॉजिटिव की आदत डाल लें, पॉजिटिव की आदत डालें, जिंदगी में ऐड कर लें पॉजिटिविटी को, जो आपको आगे बढ़ना बढ़ाता है, आपको आगे लेके जाना चाहता है। ठीक है, जब देखिए जब एक परफेक्शन की तरफ जाएंगे आप, मतलब दुनिया में भी ऊंचे होंगे, फिर आप मतलब अल्लाह की नजर में भी ऊंचे होंगे जब अपने काम के साथ आप डेडिकेट रहेंगे, फिर आपका नमाज पढ़ने का भी दिल करेगा। क्यों? जब अपने काम के साथ आप डेडिकेटेड हैं, यार अल्लाह मुझे इतना नवाज रहा है, अल्लाह मुझे दे रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, तो फिर आप खुद ब खुद उस तरफ जाएंगे। ये अब देखिए मैट्रिक के दोस्त किधर है आपके, मैट्रिक में आपके मतलब कहते थे कि इनके बिना तो भाई कुछ हो ही नहीं सकता। इंटर के किधर गए, बैचलर के, मतलब सोचा करते थे हम कि यार जब मतलब इतने बेस्ट फ्रेंड हैं, जब हम मतलब छूट जाएंगे तो क्या होगा। अब मुझे कोई ड्यूरिंग प्रोफेशन मेरी क्लास पढ़ा रहा हूँ, कोई कॉल करे ना बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड भी, उसको मैं कहूंगा यार मैं क्लास के बाद बात करता हूँ, दो मिनट एक मिनट उससे बात करूंगा, उसके बाद कहूंगा। क्यों? मुझे मेरा प्रोफेशन अजीज है, एक तो डंडी नहीं मारनी, दूसरी डंडी की बात छोड़ो, फिर भी मुझे अपना ये अजीज है कि हाँ यार बच्चों को मैं पढ़ा दूं, ये ना हो बच्चे ना सही से करें, मेरा रिजल्ट भी नीचे जाएगा। ठीक है, मतलब मेरे उनका स्टूडेंट्स का आगे किसी को बताएंगे भाई आर्डर ही नहीं आते, अगर किसी का आर्डर नहीं आएगा वो आगे कोई उनसे पूछेगा ना, वो कहेगा नहीं भाई आर्डर ही नहीं आते, फायदा ही नहीं है करने का। तो मैं चाहता हूँ कि आर्डर आए, आप सीखेंगे, आप किसी को बताएंगे, आगे भी बताएंगे किसी को, तो कोशिश करें टाइम लगाएं, टाइम खींचें, खींच के लाएं टाइम को, मैनेज करके लाएं टाइम को, निकाल के लाएं टाइम को, टाइम निकाला ही जाता है ना, एक काम को छोड़ के दूसरा होता है। प्रायोरिटी सेट कर दें कि ये इतना जरूरी नहीं है, इसको मैं नहीं करता। ठीक है, अगर किसी को 1000 रुपये फीस पे पढ़ा रहे हो ना, दो बच्चों को पढ़ा रहे हो 2000 तो छोड़ दो उसको, इस काम की तरफ तवज्जो दे लो, आपको उससे ज्यादा मिलेंगे ये। हाँ अगर कुछ आपका पे है 15000 तो फिर आपको उसको मैनेज करें, ठीक है भाई आपका वो उसको नहीं आप छोड़ सकते, बट 1500-2000 आप मेरे से ले लो, मेरे से इनबॉक्स कर दो कि सर मैं इतना पढ़ाता हूँ, वो 3 महीने पूरे मैं आपको दूंगा, कि 2000 3000 जो ले रहे हो ना अब, मैं 3 महीने पूरे दूंगा, फिर मैं आपसे आउटपुट भी मांगूंगा कि हाँ आपको मैंने वो चीज टाइम छोड़ने के इतने मतलब दिए हैं, तो आप मुझे आप आउटपुट दिखाएं, आपने उस टाइम में क्या काम किया। अगर आपको सही से पैसे मिल रहे हैं काम करने को, आप करें, फिर आप अपने आप को मजबूत करें, फिर आप अपने आप को करें कि जी वो भी करना है, मैंने ये भी करना है, मैं इंसान हूं, मैं बहादुर हूं, मतलब क्या क्या नहीं कंट्रोल में दे दिया, जहाज बना दिए, सुई को ऊपर फेंके नीचे आ जाती है, जहाज टनों वजन है ये ऊपर चलता है, किसने बनाया, इंसान ने बनाया ना, अल्लाह ने अकल दी है, वो सबको एक जैसी दी है, यूटिलाइज करना, पॉलिश करना, बता दिया गया कि आप अपने आप को कितना अपने में निखार लाते हैं, वो कैसे निखार आएगा, वो अपने आप को पहले देखो कि आपका इंटरेस्ट है, किस चीज में इंटरेस्ट है, हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, इंटरेस्ट को भी छोड़ दो भाई, जो काम करना है वो इंसान कर सकता है, जो काम करना है ना वो कर सकता है, मजबूरियां भी करवाती हैं, क्या शौक से करते हैं लोग, ऐसे काम है जो लोग शौक से नहीं करते, मजबूरियां करवाती हैं, तो मजबूरी क्या होती है, रोटी की मजबूरी होती है, और क्या मजबूरी होती है, बच्चों को खिलाना, घर को सपोर्ट करना, यही मजबूरी होती है ना, फिर उसमें भी तो काम कर लेते हैं, और इंटरेस्ट बना के नहीं करना, मजबूरी बना के कर लो, शौक से नहीं कर रहे, मजबूरी से कर लें, तकलीफ लेके कर लें। मतलब जिस्म को बेशक जितना मर्जी दर्द हो, मजा आएगा जब तकलीफ देके अपने आप को काम करोगे, उसका फिर आपको आउटपुट मिलेगा। आज मेन बनाया, मेन में एक हेडर लगाया, मेन बनाया, आपने मेन देख लिया कि फुल 100% का मेन है, हाइट जो है 1000 पिक्सल है, वो 1000 पे रुक गया, बढ़ा देंगे हाइट बढ़ती जाएगी, बट मैंने 1000 अभी लिमिटेड टाइम के लिए की है, बाद में मैं इसको ऑटो कर दूंगा, ठीक हो गया, बाद में इसको मैं ऑटो कर दूंगा। यहाँ पे आज डॉट हेडर को बुला लें, आपने कहा हेडर कितना रखना है, अच्छा
अब क्लाइंट ने आपको क्लोनिंग वेबसाइट करने का कहा है, बल्कि क्लोन नहीं कहा, उसने आपको तस्वीर दे दिया। अब आपने पता क्या करना है, एक एक्सटेंशन होती है हमारे पास, यहाँ पर मैं आपको एक्सटेंशन बता दूं, एक्सटेंशन ना भी हो ना तो आप तुक्के से भी कर सकते हो कि ये इसकी इतनी हाइट है। यहां पर आते हैं, क्लाइंट ने आपको अगर इमेज दिया है ना तो कोई इशू नहीं, हाइट का इतना ज्यादा इशू नहीं होता, कम ज्यादा आप कर सकते हैं इसको। विड्थ कर दें, आपने कहा विड्थ तो भाई 100% ही होगा, ये ब्लैक वाला जो हेडर है पूरा फैला हुआ है विड्थ के लिहाज से, तो विड्थ के लिहाज से तो पूरा स्क्रीन पे आ गया, अपने पेरेंट के ऊपर आ गया पूरा, विड्थ तो 100% हो गया। हाइट कितनी कर दूं भाई, हाइट जो है ना आप 60 पिक्सल कर दो। बैकग्राउंड क्या करना है, बैकग्राउंड कलर सेम वही होना चाहिए। वो कैसे होगा, आप कलर जिला पकड़ें, इस पे रखें, ये इस पे रखें और वो कलर आप यहाँ पे कोड लगा दें। आपने कोड लगाया, आपका यही कलर बन के आ जाएगा, देख रहे हैं जी। कम ज्यादा लगेगा, क्लाइंट कह देगा आपको कि यार ये कम जरा कर दो, ज्यादा कर दो, आप बना दें बस, आप इसकी शक्ल निकालें, एक दफा टचअप बाद में देती रहिएगा कम ज्यादा के, वो आपको बताऊंगा एक्सटेंशन आगे। जी सर, स्क्रीन डिले आ रहा है, स्क्रीन बाद सर, स्क्रीन बाद में आती है, आपकी आवाज पहले आती है। जी सर जी, डिले आ रहा है, मेरा भी आ रहा है डिले। चलें अभी बताइएगा, मुझे अभी बताइएगा, अभी अभी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर एक्टिव यूजर, ये एक्टिव यूजर आपको नजर आ रहा है? यस सर, नजर आ रहा है, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक हो गया, अच्छा ये हेडर बन गया। अब आपने क्या करना है, लेफ्ट और राइट लगाना है बेटा, डायरेक्ट नहीं लगाना लेफ्ट राइट, इन दोनों का एक पेरेंट बना लें, इन दोनों का एक पेरेंट बना लें, पूरा एक सेक्शन, जिस तरह हेडर पूरा बनाया ना, विड्थ पूरी करके हाइट उसकी 60 कर दिया है, इस तरह इसको एक पूरा बना लें, हाइट इसकी भी दे दें जितनी देनी है, आ जाए आप बना लें। आपने कहा मेन में ही आएगा, लेकिन हेडर के बाद आएगा सेक्शन, सेक्शन आपने डिव लगा लिया, इसमें लिखा कुछ नहीं, अभी डब्बे बना रहे हैं, लिखा कुछ नहीं, ठीक है, लिखा अभी कुछ नहीं, बुला लें सेक्शन को, अच्छा विड्थ कर दें 100%, हाइट कर दें 400 पिक्सल, बैकग्राउंड कर दें आप ऑरेंज, पूरा डब्बा आपका आ गया। आपने कहा नहीं यार इसकी हाइट तो ज्यादा है, नीचे तक लग रही है जाके, नीचे तक लग रही है जाके, अब इसकी हाइट देखो, आपने ऊपर 1000 रखा हुआ है ना, 60 ये कर दिया है, बाकी भाई 940 इसको कर दो, ये लो नीचे तक लग गया जाके, ठीक हो गया। अब ये सेक्शन हो गया आपका बेटा, अब आपने लेफ्ट राइट बनाना है, इसके अंदर सेक्शन पूरा बन गया, वो नजर नहीं आएगा ये ऑरेंज वाला, क्यों, इसके ऊपर आपका लेफ्ट राइट आ जाएगा, एक लेफ्ट बनाना है, एक राइट बनाना है, आ जाए सेक्शन के अंदर, आ जाए आप, अब सेक्शन के अंदर आ गए, टिप लगाया, क्लास लगाया, इसको कह दिया लेफ्ट सेक्शन, क्या कह दिया, लेफ्ट सेक्शन, डिव को क्लोज कर दिया, दूसरे को भी यहीं पे लगा दे, बेशक लेफ्ट बनाया, दूसरा राइट सेक्शन बना दिया, राइट सेक्शन इसी का भाई, बट सेक्शन सेक्शन के अंदर आ रहे हैं दोनों। अब सिर्फ पहले लेफ्ट को बुलाइएगा, डॉट लेफ्ट माइनस सेक्शन, विड्थ कितनी करें, मैंने कहा जी विड्थ कर देते हैं 33%, 33.3%, हाइट, हाइट कितनी करूं भाई, सेक्शन में पूरा पूरा आए, सेक्शन अगर 940 का है ना तो इसकी हाइट 100% कर दें, 940 में पूरी पूरी आए। बैकग्राउंड कलर क्या करूं, जो वहां पर है बैकग्राउंड कलर, आ जाएं आप कलर जिला पे जाएं, इस पे रखें, क्लिक कर दें, यहां पर पेस्ट कर दें कलर, पेस्ट कर दिया आपने, अच्छा देख रहे हैं,
आपका 33% का आ गया। आपने कहा नहीं यार ये तो छोटा है, अब कर दें 25 का कर दें, वो 75 का बना दें। ये ले वो 25 का हो जाएगा, ये 75 का हो जाएगा। ये ना समझे ये बन गया है, ये अपने राइट लगाए हुए है बेटा। इस तरह राइट को बुला लें, राइट माइनस सेक्शन विड्थ ना, हाइट कितना 100%, 100% देंगे। बैकग्राउंड कलर कौन सा जो यहां पर है, तो ये व्हाइट ही आई थिंक, मैं क्लिक करूंगा व्हाइट, तो व्हाइट 6F होते हैं, मैंने आपको जुबानी भी याद करवाया हुआ है। देखिएगा लगा नहीं, किधर गया, नीचे चला गया, क्या करूं किसको देना है फ्लोट लेफ्ट, जब भी कोई डिव इस तरह नीचे आ जाए ना, देखो यहां पर तो ये ये लगा लेफ्ट सेक्शन, फिर राइट सेक्शन लगा, लेफ्ट और राइट लगाने से वो नीचे चला गया राइट लेफ्ट के, तो क्या करेंगे पहले किसको फ्लोट लेफ्ट देंगे, लेफ्ट सेक्शन को, हाँ दोनों को देंगे, पहले लेफ्ट को दिया तुम लेफ्ट पे जकड़े जाओ, फिर दूसरे को दे दिया तुम लेफ्ट पे जकड़े जाओ। सर जी ये हम डायरेक्ट सेक्शन को नहीं दे सकते, ये लेफ्ट को रहने दें, डायरेक्ट सेक्शन को इनके पेरेंट को नहीं दे सकते ना, इनके पेरेंट को नहीं दे सकते सर। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, अगर पेरेंट को देना वो कंफ्यूज करेगा आपको, देखो पेरेंट को दिया ना, फिर भी आपको यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा, देखिएगा इनहेरिट, क्या लिखना पड़ेगा इनहेरिट, भाई अपने फादर से ले लो, इनहेरिट का मतलब होता है ये फ्लोट की प्रॉपर्टी अपने फादर से लो, अब हो गया ना, बट क्यों करना पड़ रहा है आपको, वो दो ही ना यार यहीं पे डिफाइन कर दो, प्रॉपर्टी तो फिर भी आपको लगानी पड़ी इनहेरिट करके, तो आप ऊपर ना दो वो फादर से ना दिलवाओ, आप इसको यहीं पे दे दो लेफ्ट, वो पेरेंट को देके आ जाता है, देखो लेफ्ट, दोनों को लेफ्ट कर दिया, इसको राइट कर दो बेशक कोई इशू नहीं, राइट कर दो, ये राइट पे तो राइट कर दो कोई इशू नहीं, ये राइट से शुरू हो गया राइट, आपको अभी पता ही नहीं चला कि यार ये लेफ्ट करके भी वही हुआ, राइट करके भी वही हुआ, करके भी वही हुआ, फायदा क्या होगा राइट करने से, ये राइट से शुरू होगा, देखिएगा वो देखें वो राइट से शुरू होके यहां तक आया 50%, तो जब पूरा पूरा फिल कर दिया फिर बेशक उसको लेफ्ट कर दो राइट कर दो इशू ही कोई नहीं, 75 पूरा फिल हो गए, 25 का वो 75 का वो, हो गया ये आपका जी सर, जी सर, जी सर। अच्छा अब आपको चाहिए आपने ये लगाना है, फिर आपने ये लिखना है, फिर आपने ये लगाना है, फिर आपने ये लगाना है, फिर आपने ये लगाना है, सारा कुछ लगाना है, ठीक है। मैं आपको आइकन्स आज पढ़ाना चाहता हूँ, कि आपको मैं आइकन्स पढ़ा दूँ, आपको मैं एक दो प्रॉपर्टीज डिव की और पढ़ा दूँ, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करने के काबिल हो जाएं, फिर ये जो तीन दिन इन बच्चों को देने हैं ना, आप तीन दिन उस पर टका के लगाएं प्रैक्टिस पे, ठीक है, पढ़ा दूं ना आपको आगे सही से। जी सर ठीक है, जी सर पढ़ा दूं, ठीक हो गया। यस सर। अच्छा अब ये आपका एक डिव आ गया, अब मैं आपको कहूं कि यार ये तो ठीक है, यहाँ पर आपने ना चार डब्बे लगाने हैं, यहाँ पर आपने कोई साइड बार लगानी है, जिस तरह इनकी लगी आ रही है, देख रहे हो इनकी साइड बार लगी आ रही है, ये सारे लगे आ रहे हैं, फिर इनके ये कुछ इस तरह लगे आ रहे हैं, हम इस तरह नहीं करना चाहते, मैं आपके सामने कोई और डिजाइन ओपन कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं, कोई और डिजाइन ओपन करता हूँ, कितनी वेबसाइट्स हैं, हम इधर ओपन करते हैं, हम इधर ओपन करते हैं, हम इसको ओपन करते हैं, इसको ओपन करते हैं, इसको अब देखो ये कितने ही डिजाइन हमारे पास हैं, ये बनाने पड़ जाए हमें, ये बनाने पड़ जाए हमें, ये बनाने पड़ जाए, ये पड़ जाए, इसमें नीचे आ जाए, ये देखें ये कल आपको करवाए थे ना बॉक्स बनाने, ये बनाने पड़ जाए आपको, ये बनाने पड़ जाए आपको,
सर ये ग्रेटस्टोन जो है वेबसाइट ये आपने बनाई है? नहीं ये एक दोस्त ने बनाई थी, मैंने इसमें फिर बाद में कुछ काम किया है। ब्लैकस्टोन मैंने बनाई है, ये है, ये भी उनकी, ये ब्लैकस्टोन मैंने बनाई है। और काफी सारी, ये स्पेन इन माय हार्ट मैंने बनाई है, हार्ट स्पेन इन माय हार्ट, ये किसी ने बनाई थी, मैंने इसको सिर्फ वो किया है, फेच किया है, मतलब सेट किया है कुछ चीजें मैंने। और काफी बनाई है, मुझे यूआरएल ही नहीं याद जो कि मैं गलत करता हूँ, उनको सेव नहीं करता। एक जगह पे मैंने रखे भी हुए हैं तो वो भी मैं आपको देख के बताऊंगा। कुछ रखे हुए हैं, कुछ न्यू मैंने नहीं किए। अच्छा इनमें से कुछ आप स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, ये देखें, ये बनाना हो ये कैसे बनेगा, ये बनाना हो ये ऊपर को कैसे निकलेगा, ठीक है, ये सारी चीजें आज हम ये करना है तो ये लेफ्ट पे ये राइट पे ये, अगर ये बनाना है तो ये कैसे बनेगा, ये देखें पीछे ये क्या है, कोई बताएगा ये क्या है पीछे से? बॉक्स शैडो या फिर बॉर्डर? नहीं नहीं बॉक्स शैडो है ये, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये देखिए ये शैडो दिया हुआ है। जी सर। बॉर्डर आधा तो नहीं होता एक साइड का, कट तो नहीं कर सकते ना बॉर्डर, तो ये देखिए वो, अब ये पक्का पक्का यहाँ पे रुका हुआ है, देख रहे हो ये कहीं पे नहीं हिलता, ये कैसे होगा, ये पक्का पक्का रुका हुआ है, ये कैसे होगा, ये डब्बे लगने हैं, ये सारे कैसे लगेंगे, आज आपकी ये कंसेप्ट मैं क्लियर करवाता हूँ, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे नहीं आज यहाँ पे आज। अब मैं ना एक बड़े डब्बे खुले डब्बे में सारा प्रैक्टिस करके आपको दिखाता हूँ। खुला डब्बा राइट सेक्शन है आपका, इधर एक डिव लगाते हैं, वैसे ही डिव लगाया, क्लास लगाया, इसको नाम दे दिया बॉक्स का, क्या नाम दिया, बॉक्स का नाम दिया बॉक्स, राइट सेक्शन में बॉक्स लगा लें जी, डॉट बॉक्स। अच्छा अब देखिए इधर आ, अब यहां पर मैं एक बॉक्स लगाना चाहता हूं, इस पूरे 75% हिस्से में चार बॉक्स लगाने हैं बेटा मैंने, ये 75% है तो कितने का एक बॉक्स बनेगा, 75% में चार बॉक्स लगाने हैं, एक की कितनी विड्थ करूं सर, 20 या 75, ये पूरा 75% है बेटा, मैंने इसमें चार बॉक्स लगाने हैं तो क्या करूं, 100% दिया बॉक्स को, हाइट दे दिया मैंने 200 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने मैजेंटा, देखिएगा ये 100% 75 में पूरा फैल जाएगा, ये बॉक्स लगाया वो देख रहे हो, वो 100% का उसका पेरेंट तो 75 था भाई, वो 75 ही उसके लिए 100% ठीक हो गया। जी सर समझ आ गया। जी सर। अब पहले मैंने हाँ ये बॉक्स लगा दिया, देखिए ये पूरा बॉक्स लग गया, मैंने कहा यार मैंने पूरा तो नहीं लगाना, मैंने 50% का लगाना है, 50-50 के दो लगाने हैं, 50-50 के दो लगाने हैं, इसको मैं 50 कर देता हूँ, ये यहाँ पे रुक गया, एक और 50 का लगाया, ये देखें जी ये नीचे आ गया, क्या करूं, फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट फ्लोट लेफ्ट कर दिया, फ्लोट लेफ्ट कर दिया, एक लाइन में आ गए, मैंने कहा यार इनमें डिस्टेंस चाहिए, यहां पर मुझे डिस्टेंस चाहिए, क्या करूं, आप बॉक्स बनाएंगे सर, पैडिंग दे देंगे इसको, उसके पेरेंट को, इन दोनों के पेरेंट को, नहीं ना इन दोनों का पेरेंट कौन है, तुम बॉक्स बना फिर पैडिंग दे, इन दोनों का पेरेंट कौन है, अच्छा मुझे ये बताओ इन दोनों का पेरेंट कौन है, व्हाइट वाला डब्बा, व्हाइट वाला डब्बा, ठीक है व्हाइट वाले डब्बे को मैं पैडिंग देता हूँ, व्हाइट वाला डब्बा तो इसके चार किनारों पे आ रहा है, वो पैडिंग देगा ना जब, वो तो साइडों से देगा, बॉक्स साइजिंग, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, देखो जब इसके पेरेंट को देंगे वो तो साइडों से देगा, बट मुझे इनके दरमियान में चाहिए, मुझे इनके दरमियान में चाहिए, तो क्या करें, मार्जिन
मैंने आपको कब से समझाया, जब आपने इस तरह का देखा ना तो बॉक्स में किया करो, सब बॉक्स, हाँ ये बॉक्स के अंदर आते, यहाँ पर सब बॉक्स बनाते सारे, नहीं मैंने करवाया आपको काम ऐसे ही, एक डिव लगाओ, क्लास दो, सब बॉक्स बना दो, इसमें सब माइनस बॉक्स, एक बनाया, इसको क्लोज कर दे, देखो बॉक्स के अंदर आके क्लोजिंग ना भूला करो, फिर क्लोजिंग बाद में कंफ्यूज कर देती है कि कौन सा क्लोज हुआ, बॉक्स के अंदर सब बॉक्स लगा दिया, आ जाए क्या करते हैं, डॉट सब बॉक्स को इस बॉक्स में पूरा पूरा लगा देते हैं, विड्थ 100%, हाइट 100%, बैकग्राउंड कलर रेड, देखिएगा वो अपने बॉक्स में पूरा पूरा आ जाएगा, पहले वाले में रेड आ गया ना बेटा, अब क्या करें, पैडिंग चाहिए सर, अब इसके सब बॉक्स को पैडिंग, उसको बॉक्स को पैडिंग करके तो फिर सब बॉक्स को भी मिल जाएगी। अच्छा ठीक हो, इकरा किस सब बॉक्स को, नहीं सर बॉक्स को, बॉक्स को या सब बॉक्स को, चाइल्ड को देगा पैडिंग, बिल्कुल इनके पेरेंट को दे पैडिंग, पहले पेरेंट तो था उसका चाइल्ड नहीं था, पैडिंग नजर ही नहीं आना था, अभी पैडिंग का इफेक्ट आपको नजर आएगा, देखिएगा इसके पेरेंट को पैडिंग दें, 20 पिक्सल का पैडिंग दिया, पैडिंग दिया तो बॉक्स साइजिंग देना नहीं भूलना, बॉक्स साइजिंग, बॉक्स माइनस साइजिंग, बॉर्डर माइनस बॉक्स आ गया, अब कहें बस अब उसका खत्म कर दे भाई मजेंटा, आपने देखना था पैडिंग आ गया ना आपको, अब राइट वाला डब्बा नहीं नजर आ रहा, राइट वाले का सब बॉक्स लगता है सर, डिले आ रहा है, डिले आ रहा है सर जी, स्क्रीन डिले आ रहा है, स्क्रीन का डिले आ रहा है सर, बहुत मैंने समझा शायद क्या आ रहा है सर, चेक करिएगा इसे सर जी, आपकी वॉइस का भी इशू आ रहा है थोड़ा सा जी सर, वॉइस का भी है, वॉइस तो ठीक है, मतलब मुझे लग रहा है डिवाइस सर प्लेस करके तबीयत खराब, अच्छा अच्छा चुप करें, चुप करें, मैं को मतलब गांव है मेरा तो में सिग्नल्स शायद हो सकते हैं, कुछ कॉलेज में क्लासेस ठीक होती थी तो मैं इसको थोड़ा बाहर रखता हूँ, बिल्कुल मैं एग्जैक्टली बाहर वाली साइड पे बैठा हूँ, जिस तरह बैठक होता है एक गली के साथ था, अगर सिग्नल आए मैं किसी अंदर वाले रूम में भी नहीं हूँ, तो मैं घर इसलिए आ गया कि मेरी वहाँ पर तबीयत मतलब अफ्तारी सहरी मुश्किल से होती है, वहाँ पर तबीयत खराब हो जाते हैं, तो देख लेंगे अगर दो दिन तीन दिन इसी तरह हमें इश्यूज आए तो फिर मैं वापस चला जाऊंगा, ये हो सकता है, लेकिन अब मैं रूम वगैरह छोड़ आया हूँ तो मैं दोबारा से करूँगा, या यहीं सरगोधा में मैं कोई मतलब मेन शहर में कोई दोस्त किसी से मतलब किसी के घर बैठक में या किसी का कोई इस तरह फिर मैं अरेंज कर लूँगा, ताकि सिटी में बात वो नहीं होती, बात वो नहीं होती, बात फैमिली के साथ मतलब जो होते हैं ना वो कोई बात नहीं। अच्छा अब देखिए एक बॉक्स लगा, चुप कीजिएगा, मैं स्क्रीन को रोक के एक दफा दोबारा से शेयर करता हूँ, आप लोगों ने बताना है कि आपको स्क्रीन नजर आ रहा है, जी सर ये बॉक्स क्यों गायब हो गया सर, आपने कलर दिया उसको, ये वाला सर कलर खत्म हो गया सर, कलर खत्म हो गया सर, कलर नहीं, क्यों गायब हो गया सर, वो कोडिंग पेरेंट का कलर खत्म हो गया और सब बॉक्स दिया ही नहीं उसको, बॉक्स का तो रेड खत्म कर दिया मैंने, बॉक्स का कलर मैंने मजेंटा था वो उड़ा दिया, ये रेड तो सब बॉक्स का आ रहा है तो इसको सब बॉक्स दिया ही नहीं था, इसको भी सब बॉक्स दे दें, ओके हो गया, जरा देखिएगा जी सर, ओके हो गया है ना, यस सर हो गया, चल यहाँ पे रुकिएगा, अब मैं कहता हूँ कि इस तरह के बॉक्सेस आपने मल्टीपल लगाने हैं, ये तीन लगा दिए, चार लगा दिए, पांच लगा दिए, छह लगा दिए, सात लगा दिए, आठ लगा दिए, नौ लगा दिए, दस लगा दिए, ओके की रिपोर्ट में आ रहे हैं जी सर, क्या
सर अभी शो ही नहीं हुआ, अभी हुआ है जी सर, हो गया ठीक। अब मैं कहूँ यहाँ पर आज यहाँ पर अगर इस तरह का कोई मेरे सामने डिजाइन है मैं आपको दिखाऊं। अच्छा एक काम करते हैं, ये दो दो लगे हैं, इनको जरा इनकी रेंज बढ़ा दें, अगर इनको चार चार करके कोई और डिजाइन बना दें, ऐसा भी बन सकता है कोई इशू नहीं, ऐसा भी बन सकता है। ये उस तरह का बन गया, दो दो आ रहे हैं ना, लेफ्ट पे आइकन हेडिंग डालें टेक्स्ट लिखें, आ जाए इधर लेफ्ट पे लिखना है लाइक, दिखा देता हूँ कोई इशू नहीं। ग्रे स्टोन नहीं सॉरी, लोकल होस्ट पे जाता हूँ, ग्रिंडन गेन ये भी नहीं है, प्रोफिशिएंट फ्लेम योर ऑफिस सी आई ए एन टी एफ एल एम फ्लेम डॉट कॉम, यहाँ पर देख रहे हो ऐसा डिजाइन चाहता हूं मैं, वो दो है ये एक है, तो क्या होगा एक लेफ्ट पे आइकन आ जाएगा, राइट में हेडिंग आ जाएगी, नीचे कुछ और टेक्स्ट लिखा आ जाएगा, ऐसा ना करें उसमें, ऐसा करें डिजाइन उस बॉक्स में। अब ये कैसे बनेगा, उस बॉक्स में एक लेफ्ट बनेगा एक राइट बनेगा, ठीक हो गया, समझ आ गया आपको, जहरी बात है, देखने से ही पता चल गया, एक लेफ्ट बना एक राइट बना, बस आ जाए पहले बॉक्स में आइएगा, सबसे पहले में आ जाए, देखिए सबसे पहले में आ जाए, बॉक्स वन के सब बॉक्स में यहाँ पर मौजूद हैं आप, सब बॉक्स में एक बनाइएगा डिव क्लास, क्या लेफ्ट सब बॉक्स, लेफ्ट बॉक्स कह लें, लेफ्ट सब बॉक्स कह लें, जो मर्जी नाम दे दें, लेफ्ट ही कह लें, जो आपको लगे वो आप नाम दें, लेफ्ट सब बॉक्स, एक बनाया लेफ्ट सब बॉक्स, इसी में राइट बना लेंगे, बट पहले लेफ्ट को दे आते हैं उधर से कुछ, बट लेफ्ट सब माइनस बॉक्स विड्थ कितनी करूं, मैंने कहा यार टोटल 100 है इसको 25% दे दो, टोटल इसकी कितनी है, भाई चाइल्ड्स के लिए तो 100 ही है ना, तो आपने 100 ही होती है, हाँ तो मैंने कहा 25 का बॉक्स बनाओ यार, 25 का बनाओ, हाइट कर दो 100 अपने पेरेंट में पूरा पूरा आए, बैकग्राउंड आप कर दो ऑरेंज, देखिएगा ऑरेंज वाला डब्बा इसमें लेफ्ट पे बन के आ जाएगा, आपने कहा जब एक में बन के आ गया तो टेंशन नहीं किया, हमने कहा यार ये छोटा है इधर मैंने पिक्चर लगाना है, इसको करते हैं 40 कर देते हैं, 40 और 60 का जरा ये इसको 33 कर दे, ये इधर पिक्चर आ जाएगा उधर टेक्स्ट, ये इधर आ गया पिक्चर आपका, इधर आपका टेक्स्ट आ जाएगा, आ जाए ये लेफ्ट बॉक्स बनाया, मैंने कहा लेफ्ट बन गया यार इसी तरह राइट बनाओ बना, मैंने कहा यहां पर राइट बनाया, भाई राइट को भी कॉल कर लो जिस तरह लेफ्ट को कॉल किया हुआ है, जी क्या हो रहा है सर, डिले है सर, राइट डिले है सर जी, यार ये मसला है, मतलब डिले है मेरी तरफ तो से, कल से इंशाल्लाह इसको फिर मैं कवर करता हूं, मैं किसी से कांटेक्ट करते हैं इसका, कल इंशाल्लाह करते हैं, कल मतलब मंडे को ना, कल का मतलब नेक्स्ट क्लास होती है, तो मैं इसका कुछ करता हूं, मेरे दोस्त हैं यहां पे मतलब सिटी में भी, और मैं उसका अरेंज करता हूं मैं इंशाल्लाह, लेकिन मैं तो पूरी कोशिश करता हूं इसको मैं कहीं जगह पे रखूं जहां पे बिल्कुल एग्जैक्टली सही से सिग्नल आए, बट फिर हो जाता है। अच्छा जी राइट बॉक्स बनाना है, अगर लेफ्ट 33 का है तो राइट कितने का होगा, 66.66, हाइट तो 100 ही रहेगा पेरेंट में पूरा पूरा फेंकना, बैकग्राउंड कलर कर दे
सियान सिर्फ देखने के लिए करना है, बाद में उड़ा देंगे। ये क्या हुआ, क्या किया जाए सर? अभी हमें शो ही नहीं हुआ सर, फ्लोट लेफ्ट नहीं कर रहा मेरे ख्याल में। सर फ्लोट लेफ्ट कर दूंगा दोनों को, लेफ्ट को भी राइट को भी। ओके हो गया। नो सर अभी तक शो नहीं हुआ। सर अभी शो हुआ, इतना डिले है। ठीक है सर जी, ठीक। सर आवाज भी आ रही है। कल इंशाल्लाह मैं ना कल, मैं बस आज के लिए बर्दाश्त कर ले, मंडे को फिर सिटी में कोई देखता हूँ अरेंजमेंट अपना, मैं फिर वहीं पे करता हूँ ताकि ये वाला मसला ना हो। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी आप लोग हो। ये देखिए ये हो गया, अभी आपको सामने नजर आ गए। जी सर। यस सर। अब बेशक कलर खत्म कर दूं तो आपको पता तो है ना, है ना? यस सर। अच्छा जी, मैंने इसका बैकग्राउंड कलर, बल्कि अब सारों में एक दफा फेंक दें आप जाएं। कलर लगे बल्कि एक कंटेंट जी खत्म कर, कंटेंट लगा के कलर खत्म कर। हाँ कंटेंट लगा के कॉपी पेस्ट करेंगे, कंटेंट लगा के कॉपी पेस्ट करेंगे। अच्छा जी, अब हमें चाहिए जी, अभी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमने देखने हैं कि आइकन कैसे लगाने हैं। ठीक है, कि आइकन कैसे हमने लगाने हैं, आइकन आइकन कैसे लगते हैं, ये चीज़ हमने देखनी है आज। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर चले जाना है, एक चीज़ लिखना है, फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट ऑसम पे आपने चले जाना है। ठीक है, ये वेबसाइट पे आपने चले जाना है। नेट वाकई स्लो है क्योंकि वो लोड होने मुझे पता चल गया कि नेट स्लो है काफी, लेकिन पेज ही लोड हो रहा है। आपको तो जैज चलते हैं, कुछ जैज की डिवाइस वगैरह देख लें। जी जी, मैं सर आपके गांव में किधर जैज चलते हैं यार, ये जोंग बड़ा बेहतरीन चलता है, मतलब चलाया हुआ है आपने आके इधर? जी सर, जैज मैंने कभी चलाया नहीं। खैर नहीं, ये डिले आ जाता है इस वजह से कि जैज दे भी बैठ जाना इधर, मुझे पता है जोंग मेरा मतलब बड़ा अच्छा चलता है, तो कोई बात नहीं मैं इसको करता हूँ। ये सरगोदा है सीला वाली रोड पे। आपकी नेट स्लो है, काफी स्लो है, मतलब ही आप लोगों को ये डिले आ रहा है। अच्छा, काफी काफी स्लो, थोड़ा सा नहीं काफी स्लो है। चले छोड़, मैं जरा सही से बोलता हूँ कि चीजें आपको समझ आए, या मैं इंटरनेट चेंज करूँ, मोबाइल पे लगाऊँ। ये देखिएगा जरा, 4-3 MB पर सेकेंड, वैसे ये इनफ स्पीड होती है इतनी, 5-7 आना। अच्छा, आपने फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे आना, किस वेबसाइट पे आना है? फॉन्ट ऑसम क्या टाइप करना है, फॉन्ट ऑसम अपने इसकी वेबसाइट पे चले जाते।
इस चले जाए इसकी वेबसाइट पे आपने चले अच्छा अच्छा यहाँ पर क्या लिखा रहा है स्टार्ट फॉर फ्री आप स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक कर दें अच्छा यहाँ पर आज इंटर योर ईमेल टू क्रिएट योर फर्स्ट यहाँ से किट निकालना है ठीक है तो अपना ईमेल लिखें यहाँ पे बिलाल कोड्स 1@gmail.com कह रहा है इंटर योर ईमेल टू गेट योर फर्स्ट किट ईमेल लिखा वो क्या कह रहे हैं ईमेल हैज ऑलरेडी टेकन मतलब ईमेल आपका ऑलरेडी बना हुआ है आप लोगों का नहीं होगा ठीक है तो आपको किट ये भेज देगा मेरा बना हुआ है तो मैंने क्या करना है फिर ठीक है मैंने यहाँ पर आके साइन इन करना है मतलब मेरा किट मुझे मिला हुआ है ये साइन इन लिखा आ गया देखिए यहाँ पर साइन इन लिखा आएगा मैंने साइन इन पे किया अच्छा अब आपको साइन इन वाला पेज नजर आ गया है नहीं आया अभी आपने पहले उधर किट भेजने आपको एक ईमेल चला जाना है फिर आपने यहाँ पे साइन इन कर लेना है आके ये साइन इन हो गया जब साइन इन हो गया तो यहाँ पे आपने नीचे चलते जाना है नीचे चलते जाना क्या लिखा आ रहा है मैनेज किट अपनी किट को मैनेज करें मैनेज किट पे क्लिक कर दें आप किट मैनेज पे क्लिक कर दिया अच्छा यहाँ पर कह रहा है कि अपनी कोई नई किट बनाओ ठीक है मैं अपनी जो मेरे पास पहले किट पड़ी है उसी को कॉपी कर लेता हूँ या आप यहाँ पर आए वापस आ जाए वहीं पे आप न्यू किट जनरेट कर सकते हैं ठीक है यू यूज योर अलॉटेड वन किट कह रहा कि आपने पहले से एक किट यूज कर ली है ठीक है ये थोड़ा सा आइकन्स को लगाने का मुश्किल तरीका है बट बेहतर तरीका है ठीक है ये किट के जरिए आप आइकन को लगाने का बेहतर तरीका है बट थोड़ा मुश्किल तरीका है किट को लगाने का लेकिन इसे एक ईजी तरीका भी है मैंने आपको दोनों करवाने हैं दोनों बताने फिर यूज आपने अपनी मर्जी का किए करना है कि कौन सा आपने इस्तेमाल करना है ठीक है एक मुश्किल ये स्ट्रोंग है इसमें ज्यादा आइकन्स मिलेंगे आपको वो जो पहले का तरीका है और जो आपको दूसरा बताऊंगा उसमें आपको कम आइकन मिलेंगे कि कैसे आपने आइकन लगाने हैं अब मेरा ये किट का कोड पड़ा है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से मैं आपको ये तरीका लगाने का पहले बता देता हूँ फिर आपने ये तरीका समझ आ गया ना कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाना है कि आपने आपको बल्कि इनबॉक्स में ही मैसेज चले जाना है ईमेल से कि आपकी ये किट है ठीक है अगर नहीं भी जाता आपने आना है फिर इधर अकाउंट बना लेना है फोंटासम पे सोखा तरीका भी है बट प्रोफेशनली आपको सारे तरीके आने चाहिए सोखा भी है वो भी बताता हूँ मुश्किल देख लें सोखा भी बताता हूँ जो इजी है ये पहले वो बता दूं फिर आपको ये बता दूं पहले आपको वो बताता हूँ ये देखिएगा आपने सिंपल क्या हो रहा है सर स्क्रीन स्टॉप करो या डिले है तकरीबन वो फॉन्ट जगह पे खड़ा हुआ है तो मैंने वहीं पे रोका हुआ है मैंने वहीं पे रोका हुआ क्या लिखें फॉन्ट आसम लिंक आपको यहाँ पर फॉन्ट आसम का लिंक मिल जाएगा यहाँ पर आ जाए ये लिंक ये पड़ा है लिंक
कॉपी कर लें इस लिंक को, कॉपी करके ये मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा, अपनी वेबसाइट में जिस तरह स्टाइल लगाया ना उस तरह पेस्ट कर दें। ये क्या है HTTPS और ये सब कुछ, ये है CDN, 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 कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इसके अंदर क्या होता है बेटा कि दो चीजें हैं, एक CSS का फाइल आपने अपने प्रोजेक्ट में डाल दिया जो आपने खुद बनाया, प्रोजेक्ट में फिजिकली रख दिया, आपने कॉपी करके वहां पर रख दिया, ठीक है। एक चीज है कि फाइल आपकी नेट पे पड़ी है, आपने उसको अपनी फाइल के साथ लिंक कर दिया, अपने प्रोजेक्ट के साथ लिंक कर दिया। जो नेट पे पड़ी फाइल को लिंक करना होता है वो कहलाता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कहते हैं कि CDN लिंक कर दो, भाई CDN लिंक कर दो, आ कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क आर अ कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज अ जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क ऑफ द प्रॉक्सी सर्वर्स एंड देयर डाटा सेंटर्स। द गोल इज टू प्रोवाइड हाई अवेलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस बाय, मतलब नेट पे रह के अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना। वो फाइल नेट पे पड़ी हुई है, वो फाइल एंड पे देखिएगा, जरा एंड पे देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है, CSS की फाइल है ना ये। ये सिर्फ हुआ क्या, ये नेट पे पड़ी हुई है, ऑनलाइन पड़ी हुई है, इतने फोल्डर आगे जाके ऑनलाइन ही पड़ी हुई है, आपने इसको अटैच कर दिया अपने फाइल में, CDN लगा दिया, इसको बोलते हैं CDN। ये होता है डायरेक्ट फाइल लगना, कि फाइल मेरे प्रोजेक्ट में पड़ी है, प्रोजेक्ट में CSS का फोल्डर है, वहां पे जहां पे आ गया HTTP मतलब नेट पे इस वेबसाइट पे पड़ी है, वो आपने अटैच कर दी, आपने वो लिंक अटैच कर दिया बस। सर, जब आपने अटैच किया जी, तो सर जब अगर इंटरनेट नहीं होगा तो इसका कंटेंट जो होगा वो शो नहीं होगा फिर? नहीं शो होगा, नहीं शो होगा। तो सारी वेबसाइटें होती, तो सारी वेबसाइटें होती इंटरनेट पे है, कोई वेबसाइट देखी है कि किसी ने अपने? नहीं सर, जैसे अभी हम बना रहे हैं, जैसे अभी हम बना रहे हैं। हां तो आपका इंटरनेट कनेक्टेड ही रहता है ना हर वक्त? नहीं सर, वैसे पूछ रही हूं। हां हां, वैसे ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा अगर इंटरनेट कनेक्ट। ये दूसरा तरीका भी बताता हूं ना, वो भी बताता हूं आपको, वो क्या करना है आपने, ठीक है। आपने ये अटैच कर दिया, अब आप देखिएगा, सिर्फ इतना लगाया लिंक, ये लिंक मेरे से लेके जिस तरह आपने अपना लिंक लगाया ना, ये देखो रिलेशन स्टाइल शीट, भाई टेंशन नहीं लेनी, इस रिलेशन को उठा के आप शुरू में कर दो, कोई इशू नहीं। वो भी रेफरेंस में फाइल का नाम, ये भी रेफरेंस में फाइल का नाम, बट ये नाम लंबा क्यों है, ये नेट पे पड़ी हुई फाइल है, आपने लिंक कर दिया इस फाइल को, बस और कुछ नहीं करना। अब आपने लगाना है आइकन, बेटा आप मर्जी का आइकन लगा सकते हो, जो आप चाहते हो। यहाँ पे आ जाओ लेफ्ट बॉक्स में, आइकन लगाने का तरीका क्या है, आप लगाओ आई का टैग, पढ़ा था ना आई का टैग अटैलिक करता है, बस इसको आप छोड़ दें। क्लास लगाए एफ ए, मतलब फ़ॉन्ट आसम, पहली क्लास एफ ए फ़ॉन्ट आसम, एफ ए माइनस फोन, उन्होंने पहले से स्टाइल किया हुआ है इसको, आपने सिर्फ अटैच किया, उन्होंने पहले से स्टाइल किया हुआ है एफ ए। ये सेम क्लास और डिफरेंट क्लास, पता लग गई ना आपको, आपको भी समझ आ गई ना सर? कुछ काम जो सेम किए होंगे उन्होंने एफ ए लगा दिया, कुछ जो डिफरेंट किए हैं वो डिफरेंट हो गए। ये देखो, क्या ये दोनों आइकन आपको मिलते हैं? आप देखिए माइक के स्पेलिंग ठीक है, ये देख रहे हो, आपको फोन भी मिला, आपको ये भी मिल गया क्रॉस का आइकन, और भी देख लेते हैं एफ ए माइनस फेसबुक, मिल गया, मिल जाते हैं सारे, बट कुछ नहीं भी मिलते, TWI, ट्विटर भी मिल गया, और लगाते जाते हैं, हम तो चेक कर रहे हैं ना, क्या लेती है डेस्कटॉप लैपटॉप कहीं पे लगाना हो तो, वो भी मिल गया, इनको बड़ा कर लेना आपको नजर आ जाएगा। मतलब जो होगा इसका क्या मतलब, जो हम लगा रहे हैं इसमें जी, क्या कहने जी, क्लास से पहले आई जो रेफरेंस दिए, मतलब ये क्या है सर? आई टैग है ना,
जिस तरह आपका डिव है आई का टैग कुछ भी नहीं करता, एक स्पैन एलिमेंट है, अटैलिक करता है वैसे, बट यहाँ पे नहीं किया इसने अटैलिक, आई का टैग वैसे अटैलिक करता है। आप इसको आई पे लगाते हैं कि आई एक इनलाइन एलिमेंट है, बस ये क्लास लगाने के लिए एलिमेंट तो चाहिए ना हमें आई जैसा, कोई स्पैन, कोई स्पैन लगा ले, जरूरी नहीं आई लगाना है, आप स्पैन लगा ले, ये ले। तो ज्यादा आई चलता है तो इसलिए हमने आई लगाया, तो आपने भी आई लगाना है। ये देखे सारे आइकन आ रहे हैं, अब और देख ले आइकन, जरूरी नहीं। अच्छा मैं जरा फॉन्ट साइज बढ़ा दूं इनका ना, इसका लेफ्ट बॉक्स में लग रहे हैं, फॉन्ट साइज में बढ़ा के जरा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको बड़े बड़े नजर आए जरा ये आइकन, ठीक है। देखिएगा बाहर आ जाएंगे, कोई इशू नहीं, खराब हो जाएंगे कोई इशू नहीं, नजर आ रहे हैं आपको? जी सर, जी सर। आप लगाए मनी का आइकन, आपको मनी का आइकन चाहिए, जो तो सोचेंगे ना वो आइकन मौजूद होगा यहाँ पर। और क्या सोचें जरा जी, सही है, खुद ब खुद ये YouTube जी, ये खुद ब खुद बने हुए हैं, इनकी लिस्ट भी आपको देता हूँ। नहीं सर, ये पाकिस्तानी मनी का वो आ गया सर आइकन, अगर हम किसी और का देने के लिए उसका नाम देना पड़ेगा। YouTube, Google, बताता हूँ, इंस्टा कर दीजिए, बताता हूँ आपको सारी चीजें, बताता हूँ। आगे सारे वो देख नहीं, जरूरी नहीं इंस्टा इंस्टा आपने करने होते हैं, आप एफ ए मोबाइल फोन करें, वो छोड़ें, वो आएंगे सारे, आप जरूरी नहीं ये होते, आपकी वेबसाइट में इतने होते हैं। मोबाइल आ गया, और वेबसाइट्स विजिट कर ले, आपको क्या क्या चाहिए, ये 9 डब्बे चाहिए, आपको क्या चाहिए, ये सेटिंग का आइकन चाहिए, आपको क्या चाहिए, मोबाइल जैसा आइकन, आपको क्या चाहिए, ये सर्च का आइकन, आपको क्या चाहिए, ये यूजर का आइकन, आपको 2 यूजर के आइकन, आपको लिस्ट, आपको होम का आइकन, आपको बिलिंग, आपको टीम, ये देखें रेंज, ये जो बोलते हैं क्या कहते हैं इसको, अरे मैं पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, वो चाहिए आपको, कितने ज्यादा आइकन है, तो ये मिलेंगे आपको। ये देखें यहाँ पे एफ एफ यूजर होगा तो होम साथ लिखना पड़ेगा ना, बिल्कुल एफ एफ यूजर कर दें, आपको यूजर मिलेगा, आपको होम का आइकन चाहिए, आपको होम मिल जाएगा, आपको यहाँ पर चाहिए लिस्ट, या मैं आपको लिस्ट ही बता देता हूँ, वहां से देख लीजिएगा, फोंट आसम, ये देखें ब्रांड्स, सारे ब्रांड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, इनमें से बेटा जो भी लेना है ना एंड्रॉयड का, जो भी लेना है आपको W3 के लिंक से सारे मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखें एप्पल का लेना है, एफ ए एप्पल, एप्पल का लगा दे, मिल रहे हैं सारे, कुछ ले आइकन है वो जो नहीं मिलते, चले वो आपको फिर मैं कल ही करवाऊंगा ताकि मिक्स ना हो जाए, वो जो तरीका करवाने लगा था किट वाला, वो किट में ना आपको मिल जाएंगे, इसमें कोई काफी सारे नहीं मिलेंगे, ये नहीं मिलेगी जो वाला आपका आइकन है, ठीक है। आप देख लेंगे सारे, विजिट कर लें W3 स्कूल में जाके, ये देखिए W3 स्कूल है, यहाँ पर 9 डॉट वाला कहीं पे नहीं आपको मिलेगा, अगर आपको नजर आ जाए तो ओके, ये देखते जाए सारे, ये आपको मैं पूरा लिंक भेजूंगा, ये सारे आपने विजिट कर ली सर, स्क्रीन डिले, तीन माई तो वही है, अब चेंज हुई सर, ये स्क्रीन में जगह ही ना चेंज कर लूं, यहाँ से उठ के मैं देखूं जरा, मैं इसको ना अपना बाहर ये भी रोक खोल देता हूँ रूम्स के, सर इसकी अगर ऊपर कहीं सिग्नल करीब हो कहीं, सर बताता हूँ, एक मिनट बताता हूँ आप, अच्छा
अभी आपने ना बताना है, मैंने उसको बिल्कुल गली में रखा है डिवाइस को दरवाजा खोल के, तो फिर देखते हैं अभी अगर ये ठीक हो जाए। और रिकॉर्डिंग चलाई है? जी रिकॉर्डिंग चली हुई है मेरे ख्याल में, चली हुई। अच्छा अब क्या पूछ रहे थे? मैं सर मेरा सवाल था, मैं ये पूछ रहा था सर ये जो आइकन है अगर इसको लेने के लिए मैं अकाउंट बनाना पड़ेगा पहले इधर, ये कैसे? नहीं 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 अभी अभी ये जो ऐसे लगाए ना इसमें कोई अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, इसमें जस्ट आपने लिंक लगाना है। कौन सा लिंक लगाना है? आप आ जाए यहाँ पर, नजर आ गया लिंक आपको? जी सर बिल्कुल नजर आ गया। ये लिंक लेना कहाँ से है? आप मेरे से भी ले सकते हैं। आप जस्ट टाइप करें यहाँ पे, आप लिखे फोंट आसम लिंक, लिख दे फोंट आसम लिंक लिखे, आप पहला ही पेज विजिट करेंगे या यहाँ पे आ जाएं गेट स्टार्टेड फोंट आसम, या तरीका बता दूं आपको, आप लिखे फोंट आसम CDN लिंक CDN या CDN, ये देखें www.bootstrapcdn.com bootstrapcdn.com पे जाएं, ये आपको सामने पड़ा नजर आ रहा है, क्लिक करके कॉपी कर लें, इस पे क्लिक करें और इसको कॉपी कर लें। समझ आ गया आपको? जी सर। नहीं तो मैं दे रहा हूँ, ये कौन सा बदल जाता है, मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है, ये कौन सा चेंज हो जाना है, मैं दे रहा हूँ अगर आपको लेना भी ना, वैसे भी। खुद अगर आपने लेना भी तो आप यहाँ से ले सकते हो। अच्छा अच्छा अब आइकन्स ना सारे अवेलेबल देख लेते हैं, अगर सारे अवेलेबल मिल जाएं इसमें फिर हमें वो मुश्किल की तरफ जाना ही ना पड़े, बट मैंने ट्राई किए मुझे काफ़ी सारे नहीं मिले थे। ये देखें इसमें ये लगाते हैं पिंटरेस्ट, लगाते हैं FAFA पिंटरेस्ट स्क्वायर, मेरे ख्याल में नहीं आएगा ये, नहीं भाई आ गया, ए ए आ गया। अच्छा ये नजर आ रहा है आपको? यार मुश्किल सा कोई माइंड में लेके आओ, मुश्किल सा कोई, वो चेक करते हैं यहाँ पर। सर ये कैलकुलेटर आप लिखें FAFA कैलकुलेटर, जस्ट आपने गूगल में टाइप करना है, अगर होगा तो आपको मिल जाएगा, देखिएगा ये देखें ये मिल गया ना FAFA कैलकुलेटर। ब्यूरेट नहीं मिला ना कैलकुलेटर, यही बस यही मैं कहना चाहता था, ये देखिए कैलकुलेटर आपको नहीं मिला, इस तरह के कुछ और होंगे वो आपको नहीं मिलेंगे। वो नीचे आया ना शो हो रहा? हाँ शायद नीचे, नीचे नहीं, नहीं, नहीं है सर, ये तो डिम छोटी है ना, सर नीचे तो नहीं आया हुआ। देख लेते हैं हम डिव को ही खत्म करते हैं यहाँ से, या डिव का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करते हैं, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट। हाँ आया हुआ, कुछ आइकन खत्म कर देना, आ गया ठीक है, तो तकरीबन सारे फिर लग जाएंगे, फिर आप बस एक लिंक अटैच करें और आइकन लगाएं, आ जाएं जी आप आइकन लगाने की तरफ चलते हैं। आप इमेज भी लगा सकते हैं जिस तरह ये इमेज लगी है, जरूरी नहीं आपने आइकन लगाना है, तो ये डिमांड पर डिपेंड करता है कि क्या डिमांड होती है। देखिए ये घड़ी वॉच और ये सारे आपको आइकन भी मिल जाएंगे, आपको तस्वीरें भी मिल जाएंगी, आप तस्वीरें लेना चाहें तस्वीरें ले लें, आइकन तस्वीरों से अच्छा आइकन होता है ये एनवेलप मिलता है, आप यहाँ पर आएँ, ज़्यादातर तो यही ज़रूरी होते हैं फ़ोन नंबर और एनवेलप, फ़ोन और एनवेलप, एनवेलप के स्पेलिंग आप पहाड़ EN देखने के बिना बताओ भाई, आपने भी देखना नहीं है कहीं से। मैंने भी यही लिखे हैं, आप देखते हैं सही है या गलत है। सर एंड पे ई नहीं है मेरे ख्याल में, आगे आई के साथ ही, आगे आई के साथ देख ले।
वो आ गया एनवेलप भी देख रहे हो, तो सारे आइकन आपको मिल जाएंगे एक लिंक लगाने से। अच्छा जी, अब यहाँ पर पढ़ सकते हैं आइकन, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो जरूरी नहीं कि ये, आपको चार्ट्स भी मिलेंगे, चार्ट्स में भी आइकन है। ये देखिए चार्ट्स, चार्ट्स में ऊपर जा रहा है ये, नीचे जा रहा है, करेंसी में आ जाएं, करेंसी में कितने जो अवेलेबल है फिर वही मिलेंगे। ये देखें ये करेंसी में ये जो है डायरेक्शन एरोज आपको मिलेंगे, कहीं पे एरो लगाने हो तो लगा सकते हैं ना। आइकन्स वो सारे मेडिकल के लेने हैं, पेमेंट्स के लेने हैं, कार्ड्स वगैरह आपको मिलेंगे, आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, वीडियो के आइकन लेने हैं, वीडियो को आगे करना है, पीछे करना है, स्टॉप का बटन, स्टार्ट का बटन, वेब एप्लीकेशंस के आइकन लेने हैं। ये देखें ये कार्ड होता है, ये लिस्ट होता है, ये एंकर, ये देखें ये गाड़ी। अब शिपिंग का, अगर आप शिपिंग का लेना हो तो एफ ए, एफ ए ट्रक देखते हैं मिलता है, एफ ए, एफ ए माइनस ट्रक, टी आर यू सी के ट्रक, शिपिंग का होता है ट्रक का आइकन, तो देखते हैं ट्रक मिलता है। मुश्किल है वो तो, आ गया देखो, आ गया तुम कह रहे हो, ले आता है स्क्रीन में, ले किधर है फिर सर जी? अब अब ठीक आ रहा है, अब सही जा रहा है आपका इंटरनेट सर। अच्छा ट्रक भी आ गया, मतलब सारे तकरीबन जो है ना आपको मिल जाएंगे। जो नहीं मिलेंगे मेरा बेटा टेंशन नहीं लेनी, वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। मतलब मैंने आपको चीजें बतानी है, फिर यूज उन्होंने आपने उनको ही करना है जैसे भी। तो आ जाए जरा बनाते हैं, आ जाए इस्तेमाल करते हैं इनको। लिंक लगाना है, जस्ट जस्ट लिंक कॉपी पेस्ट और कुछ भी नहीं करना, आपने लिंक लगाना है, रेफरेंस में सी डी एन दे देना है। आ जाए आप, ये सारे थे ना जितने भी, इनको मैं यहाँ से आता हूँ बंद करता हूँ। कौन सा लगा रहा हूँ देखिएगा जरा, मैंने लगाया आए क्लास एफ ए, एफ ए माइनस फेसबुक, फेसबुक आ गया, आए को कर दिया क्लोज वहीं पे। अच्छा जी फेसबुक आया, मैंने कहा यार फेसबुक को बड़ा करना है, मैंने मैं इधर ही क्लिक करूँ, राइट क्लिक करूँ, इंस्पेक्ट में चला जाऊँ, लेफ्ट बॉक्स के अंदर हूँ मैं, मैंने कहा आए को बुला लूँ, आए को बुला के मैं फॉन्ट साइज वगैरह दे सकता हूँ, बट मैं अगर लेफ्ट बॉक्स में ही फॉन्ट साइज दूँ तो वो भी उसको कैरी करेगा। ठीक है, वो उसको अब मैंने सेंटर में करना है तो क्या करूं? अलाइन सेंटर नहीं है, ऊपर से नीचे लेके आना तो क्या करूं? मार्जिन पर, मार्जिन ना दिया करो, हेडिंग से सेट हो जाए, मार्जिन ना दिया करो। ये क्या हो रहा है? बॉक्स साइजिंग दें सर, बॉक्स साइजिंग प्लीज, वेब साइजिंग करेंगे सर। चाचू दे लग रहा है, पार्टनर जा। अच्छा अच्छा अच्छा, आ जा, ये दरवाजा खोला है तो बच्चे आने लगे। पार्ट माइनस बॉक्स आपका सही आ गया? यस सर। ये ठीक है भाई? जी सर, जी सर। ये तीन चार चीजें कॉपी कर लें जो आपने लगाई हैं, ये किस में लगाई हैं? एडिटिंग सब बॉक्स लेफ्ट जो दिया ना हमने, सब बॉक्स इसमें लगाएंगे, लेफ्ट बॉक्स में। अच्छा अच्छा अच्छा, आज नजर आ रहा है लेफ्ट सब बॉक्स? जी सर, जी सर। पेस्ट कर दिया मैंने, ओके हो गया, पेस्ट कर दिया मैंने। जी सर। क्योंकि ये काम मैंने कहां पे किया था सर? लेफ्ट सब बॉक्स में किया था, लेफ्ट सब बॉक्स में, इंस्पेक्ट में किया था ना, इंस्पेक्ट में किया था मैंने ये काम। उधर वो काम नहीं, जी सर, फिर वहां से कॉपी कर लें, इसलिए मैंने कॉपी किया यहां पर और मैंने इस तरह पेस्ट करके रिफ्रेश किया। ओके हो गया काम जी सर।
जी सर जी जी एक मिनट भाई, ये मेरे बिल्कुल पास आके खड़ा हो गया आइसक्रीम वाला। आप लोगों की आवाज मेरी सही जा रही है? आप तो शोर तो नहीं आ रहा पीछे से? नो सर, नहीं आ रहा। बोलो भाई, बच्चों को पैसे दे। हेलो सर, नहीं आ रहा शोर। सर आपकी आवाज आ रही है? आवाज मेरी सही आ रही है? यस सर, जी सर आ रही है, ठीक आ रही है। चलें, अच्छा ये आपको समझ आ गया ना, लेफ्ट पे आइकन जो लगाया है? यस सर, जी सर, जी सर। सर इसके पीछे जो लिंक होता है, जैसे हैंड करने से वो ओपन हो जाती है, तो वो अब राइट सब बॉक्स में आप लिखें कुछ, क्या लिखें? H3 लगाएं, इसमें लिखते हैं फेसबुक। सर स्क्रीन डिले, फिर एक P लगाएं, दोबारा डिले यार, इसमें लिखते हैं लिप्सम। लिप्सम नेट से उठा लेते हैं। सर स्क्रीन डिले आ रहा है, मैंने डिवाइस रखी थी वो छोटा, फिर बाहर से उठा के मुझे दिखा। अभी फिर मैं रख रहा हूँ बाहर गली में, अभी इंशाल्लाह ठीक है। lipsum.com नजर आ रहा है सामने? जी सर, जी सर, जी सर, अभी आ रहा है। लिप्सम से थोड़ा सा ना यहाँ से कॉपी कर ले आप, टेक्स्ट थोड़ा सा हमने वहां पर डालना है। मैंने ये टेक्स्ट डाल दिया, मतलब आपको समझ आ गया कि हमने लेफ्ट राइट करके ही चीजों को ठीक हो गया। ये यहाँ पर सामने आपको लगा, मैंने पेस्ट कर दिया, सामने लगा, नजर आ गया। मैंने कहा यार इसको रखना भी लेफ्ट पे ही है, बट साइडों से डिस्टेंस आए, टॉप से बॉटम से लेफ्ट राइट से कुछ ना कुछ, तो क्या करूंगा? जस्टिफाई करेंगे, जस्टिफाई करें। जस्टिफाई करूंगा तो वहीं पे जस्टिफाई हो जाएगा यार, राइट पे मुझे स्पेस चाहिए, जस्ट लाइक दिस। देखिएगा ये स्पेस इधर से, ये स्पेस इधर से, ये देख रहे हो ये वाला? जी सर। यार पैडिंग दे दो राइट बॉक्स को, राइट बॉक्स को पैडिंग दो, देखिएगा वो साइडों से धकेल देगा इसको अंदर की तरफ, राइट बॉक्स पे आ जाएं, राइट पैडिंग दे दें 20 पिक्सल, डब्बा बड़ा हुआ, बॉक्स साइजिंग दे दें, बॉर्डर बॉक्स ठीक हो गया? यस सर, समझ आ गई आपको? यस सर। आप इसको फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह आप दे सकते हैं, वो सबकी अगर फ़ॉन्ट फैमिली सेम करनी है तो एक काम करें ना आप, इनके पेरेंट में जाके यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली डिफाइन करें, फ़ॉन्ट फैमिली लिख दें कुछ भी, मोंटेस्ट्रेट फ़ॉन्ट फैमिली होती है फ़ॉन्ट फैमिली, ये वाले लगाएं, ये वाले लगाएं, ये देखिएगा। इंस्पेक्ट में ही करता हूं मैं पहले काम, आप लोगों को भी यही सलाह देता हूं कि इंस्पेक्ट में ही करना है पहले। हो गया, कॉपी कर लें पैडिंग और ये चीजें, भाई कॉपी करके आप ले जाए राइट बॉक्स में लगा दें। लो जी आपका ये लग गया।
अब ये राइट साइड से इतना राइट साइड से इतना डिस्टेंस क्यों आ रहा है सर? जस्टिफाई नहीं किया मेरे ख्याल में, जस्टिफाई करेंगे। टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई कर दे जी, टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई। बट ये फिर बुरा लग रहा है, अब ये दरमियान में से बुरा लग रहा है, मतलब अच्छा वे नहीं है किसी भी चीज को शो करवाने का, तो जस्टिफाई ना करें, टेक्स्ट लाइन लेफ्ट रखें, लेफ्ट ही रहे नॉर्मली, जैसे जैसे बेहतर होगा आपको नजर आता जाए। या क्या करें भाई, लेफ्ट से पैडिंग कर दे 20 पिक्सल, टॉप से 20, चारों तरफ से 20 20 कर दें। अब देखिएगा मैं क्या करता हूं, टॉप 20 सही है, राइट कम कर दिया मैंने, राइट 10 कर दिया, बॉटम 20 ही रखा, तो कौन सी काम हुई है? राइट वाली, राइट कॉपी कर लें, ये सारी चीजें कॉपी करके वापस वहां पे पेस्ट कर दें यहां पर। अब डाटा और लिख ना चाहते हैं और लिख दें, कोई इशू नहीं, इसमें आए और लिख दें आप। अच्छा जी, ये हो गया एक चीज, अब हर बॉक्स को कॉपी पेस्ट कर दें, बाकी जो बने हुए बॉक्स हैं सारे खत्म कर दें। एक बना लिया ना आप, एक सारे एक जैसे बनाने थे, बाकी सारे खत्म कर दें। देखिएगा एक ही बनाया आपके पास, थोक के इसको कॉपी पेस्ट पकड़े, 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक हो गया। अब इनके बैकग्राउंड कलर खत्म कर दें, वो तो लगाए हैं जस्ट देखने के लिए, इधर से सियान को खत्म करें, इधर से ऑरेंज को खत्म करें। पीछे से आपको रेड लिखा नजर आ गया, रेड कलर, रेड नजर आया कलर आपको? जी सर, जी सर, इसको बहुत शैडो। अच्छा, ये रेड भी मैंने खत्म करना है, ये लें जी, ओके हो गया, बगैर शैडो दिए भी आपका सही आ गया ना? जी सर, जी सर, शैडो दे दें फिर अच्छा हो जाएगा। शैडो दे दें जी, किसको देना है? सब बॉक्स को, बॉक्स माइनस शैडो, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 3 पिक्सल, ब्लैक, ओके हो गया? यस सर। अब फिर राउंड भी कर दें कुछ थोड़ा थोड़ा, और भी अच्छा लगेगा। बॉर्डर माइनस दे दें सर जी, ये जो बॉक्स शेडो लगाया, ये बताइए कि ये क्या चीज होती है? जैसे पैडिंग में सर जी टॉप होती है, राइट होती है, बॉटम होती है, फिर लेफ्ट होती है, ये बताइए। ये जो ये पहली वैल्यू है, ये लेफ्ट से दूर कितना करना है शेडो, देखिएगा मैं इसको 100 पिक्सल कर दूंगा ना, शेडो लेफ्ट साइड से उतना दूर जाएगा, देख रहे हो लेफ्ट इसका ये शेडो दूर चला गया, नजर आ रहा है आपको? जी सर। इसी तरह मैं लेफ्ट 0 रखता हूँ, टॉप, टॉप मैं 100 पिक्सल करूंगा, 100 पिक्सल दूर आ जाएगा शेडो, वो देखो ऊपर से नीचे 100 पिक्सल, यहां से स्टार्ट हो रहा है बट वहां से नहीं आ रहा, हालांकि शेडो यहां से इसकी सीध में आना चाहिए, वो नीचे से आ रहा है, ये होता है शेडो। तो आप इसको 0 करेंगे तो चारों तरफ से एक जैसा रहेगा, ओके हो गया। अब आइकन चेंज करते जाए, यस सर। बस ये कंसेप्ट समझ आ गया तो कहानी ही आपकी सारी सॉल्व हो जाएगी। यहां पर कर दें इंस्टाग्राम, यहां पर आप इंस्टाग्राम लिखते हैं, स्पेल मिस्टेक तो नहीं होगी?
ठीक हो गया? यस सर। अगर मैं आपको ये कोड ना दूं तो आप बना लोगे ऐसा आज का असाइनमेंट? यस सर। जी सर बना लेंगे। सर कोड ना दें। जी सर बना लेंगे। सर आप बोल नहीं रहे हैं, मेरे पास वॉइस नहीं आ रही। बोल नहीं रहा ना, मैं टाइप कर रहा हूँ जस्ट, आप देखते जाए ना, काम तो हो रहा है ना। ओके सर। ये आइकन को सेंटर में कैसे करना है तो फिर बता दीजिएगा प्लीज। टेक्स्ट लाइन सेंटर, इसके पेरेंट को टेक्स्ट लाइन सेंटर दे दें, वो सेंटर में हो जाएगा। आइकन एक इनलाइन एलिमेंट है, आइकन एज ए टेक्स्ट आता है। आपने देखा नहीं आइकन को बड़ा मैंने फॉन्ट साइज से किया है, आइकन एज ए टेक्स्ट आया आपका। तो टेक्स्ट कैसे सेंटर में होता है? टेक्स्ट लाइन सेंटर से। टेक्स्ट लाइन पेरेंट सर, साइज भी इंक्रीज होगा इसके पेरेंट में जाएगा। साइज भी देखो, फॉन्ट साइज को बढ़ाते जाओ तो आपका लेफ्ट सब बॉक्स में दिया फॉन्ट साइज, ये देखिए फॉन्ट साइज 100 पिक्सल है, बढ़ाते जाओ। आपसे पैडिंग दी है, मार्जिन नौ पैडिंग दिया इसके पेरेंट को, लेफ्ट बॉक्स को पैडिंग टॉप, ये देखें पैडिंग टॉप, वो कम करते जाएं, ये ऊपर की तरफ लगता जाएगा। ये देखिएगा जा रहा है ऊपर की तरफ, समझ आ गया? जी सर। अच्छा अब मैं इसकी तस्वीर बना रहा हूं, आप लोगों ने ये बना के लाना है, ठीक है? ओके ओके। अच्छा इसकी जगह बना लाएंगे हैं सर, ये आउटपुट पिक्चर का देना सर। मैं निकालने लगा हूं, ये देखो पिक्चर मैं निकाल रहा हूं, पूरे पेज की पिक्चर निकाल ली है मैंने। देखिए जी पूरा पेज आप लोगों को मिलेगा, पूरा पेज आपने बनाना है सर। एक बार कोडिंग दिखा दें। मैं दिखा देता हूं, ये देखो ये पूरा पेज आपको नजर आ गया सामने, यहाँ पे चेंज कर दीजिएगा चीजें। ये ठीक है सर, ये आपने बना के लाना, ये आपका असाइनमेंट है, ठीक है? कल मैं इंशाल्लाह इन बच्चों को पढ़ाऊंगा। मैं आपको अभी अभी रिलैक्स हो जाए थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा 5 मिनट वेट करें। आज हमने पिछला ही पढ़ा है, कोई नई प्रॉपर्टी पढ़ी अभी तक एक आइकन लगाने के अलावा? पिछले ये सारा पिछला ही है, आगे पढ़ना है ना अभी। आगे पढ़ना है अभी, तो जस्टिस रखिए आगे पढ़ने का, प्रॉपर्टीज को पढ़ने का। सर कल रिवाइज करवाएंगे आप? जी कल रिवीजन करवाएंगे आप? कल तो उन बच्चों को स्टार्ट करवाऊंगा भाई जो पीछे बिल्कुल है, जो कहते हैं बिल्कुल नहीं समझ आया, कल मैं उनको करवाऊंगा। कल तो छुट्टी है ना आप लोगों की? यस सर। कल किस टाइम करवाएंगे आप? करने मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूं। करना चाहते हुए ना तो आप डिस्कशन में आ जाइएगा कि हाँ भाई सर वो कल किस वक्त क्लास है, कल इसी टाइम पे रखेंगे क्लास। ठीक है सर। करने दें सर, कल जो आना चाहेगा आ जाएगा बस, नहीं तो नहीं। हाँ हाँ ठीक हो, जो भी लिंक भी भेज दूंगा, कोई इशू नहीं। खैर लिंक भी भेज दूंगा मैं सर, जो भी आना चाहेगा स्टार्ट से करना चाहेगा वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा जी फॉन्ट आसम आपको लगाना आ गया, आपको मैंने ये असाइनमेंट में भेज रहा हूँ गूगल क्लासरूम में भी। कल मैंने आप लोगों की एवेल्युएशन कर लेनी है सारे, किसने कितनी असाइनमेंट्स बनाई हैं, माफ़ी शाफ़ी मांगनी है, सॉरी करना है तो पहले कर लीजिएगा नंबर शंबर लगने से। तो कल मैंने सारी चीज़ें आपकी, कल ग्रुप से भी लोग निकालने हैं। अब देखें
ये आइकन लगाना है तो ये कैसे लगेगा, ये आइकन लगाना हो तो आप जाएं, अब आपको नहीं पता कैसे लगेगा, आप लिखें फ़ॉन्ट ऑसम या लिख दें एफ ए सेटिंग, ये सेटिंग का आइकन होता है, सेटिंग एफ ए सेटिंग, आपको खुद ही आइकन मिल जाएगा, देखिएगा कोक का आइकन होता है, देख लो मिल गया ना उसी तरह का। जी सर। ये भी उसी तरह आपका हेडर, आपका सेक्शन, लेफ्ट सेक्शन, राइट सेक्शन, राइट में एक छोटी सी पिक्चर, बंदे का नाम, नीचे फिर आगे आपका कोई एक पिक्चर, अटैचमेंट लिखा गया हैंड इन, वो आपका, तो ये भी आप डिज़ाइन बना सकते हो पूरे का पूरा। अभी प्रैक्टिस करेंगे, आगे बनाते जाएंगे, बस ये इन बच्चों को थोड़ा सा मैं साथ मिला लूँ। आप लोगों को मैंने ये करवाया आज, आज आपको नई प्रॉपर्टीज़ पढ़ाऊंगा, उनकी इम्प्लीमेंटेशन करवाऊंगा। प्रॉपर्टीज़ आप कोई बंदा लिखता रहे बेशक अपना बनाते जाएँ, ठीक है, मैं भी आपको एक आउटलाइन प्रोवाइड कर दूंगा, हमने ये पढ़ी है, ठीक है। सर मैं स्लाइड बना दूं? बना दें जो जो आपने पढ़ा हो, वो बना साइंस के नोट्स मिल जाएंगे या नहीं? मिल जाएंगे, वो बना देंगे, मिल जाएंगे। हाँ थैंक यू सर। अच्छा मैं असाइनमेंट पोस्ट कर दूं, देखिएगा जरा। ये ले उसको, मैं यहां पर इसके नंबर मैंने 200 करने, मतलब परसेंट के लिहाज से इसके दो नंबर ही बनने हैं, बट मतलब वैसे टोटल 200 मैंने दिए, इसमें से फिर आपको मिलेंगे। मैं यहां पर आता हूँ, एडमिन में जाता हूँ, असाइनमेंट बिना कोड के, कोड नहीं मैंने देना, ठीक है। ओके ओके सर। मैं तो नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा कोई इशू नहीं, आपने मुझे इनबॉक्स में बता देना है कि सर ये नहीं बन रहा। ग्रुप में इंटरेक्शन किया करें, एक दूसरे को बताया करें, ये फफड़े ना लगाया करें कि कोई आइकन सेंड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, बंदे के पुत्रों की तरह सही से काम किया करें, बताया करें कि ये नहीं हो रहा, ये कर दे, कोई आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। 5 मिनट रिलैक्स हो लें, ब्रेक करना है ब्रेक कर लें, 10 मिनट, 4:20 पे मैं आपको नई प्रॉपर्टीज पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। जी जी पूछे सर, आपने ग्रुप में से स्टूडेंट्स क्यों निकालने और किस रीजन की वजह से निकालने? जो क्लास ही नहीं ले रहे निकाल, पहले आज कल संडे को कल तो निकालूंगा ना जो क्लास नहीं ले रहे, फिर नेक्स्ट कोई एक दो दिन में निकालूंगा वो जो असाइनमेंट्स नहीं कर रहे। ओके सर। सर आपने मार्क्स की बात की है? मार्क्स कल लगाऊंगा ना सर। 200 मार्क्स किस चीज के, वो क्या कह रहे थे इस असाइनमेंट कट रही थी इस असाइनमेंट के जो आज मैंने बनाई है, आज आपको दी है। सर टोटल तो 100 है, फिर 200 कैसे मिलेंगे? मैंने पहले नहीं कहा कि परसेंटेज दूंगा, इसके दो नंबर ही बनने हैं इस असाइनमेंट के, लास्ट में जब काउंट करेंगे 100 भी नहीं है, 50 है टोटल मेरे पास, तो जितनी असाइनमेंट्स दूंगा ना उनको कैलकुलेट करके परसेंटेज निकालूंगा, तो ये 200 शायद 2 बने या 10 बने 50 में से।
सर अभी कितनी असाइनमेंट्स आनी है? हो सकता है एक असाइनमेंट एक नंबर की बने एक्चुअल में, मतलब यहाँ पर तो 100 है ना, 100 पे 80 दूंगा आपको, इसका मतलब है एक में से 0.8 नंबर आए आपके। सर 80 क्यों मिलेंगे जी? अगर सही नहीं बनाई होगी, अगर सही नहीं बनाओगे असाइनमेंट, रिलैक्स कर लें, 4:20 पे 4:20-21:22 पे हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है सर? रिकॉर्डिंग बंद कर दें। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।